तो स्टार्ट करूं या कैसे? हाँ एक ओके हरप्रीत जी, आप शुरुआत कर रहे हैं कि कैसे करना है बताइए। इट्स टाइम नाउ, 8 और 8। ओके ओके शैल वी स्टार्ट? नमस्ते इंडिया, मैं हरप्रीत, प्रोफाउंडर ऑफ फोनपे से आज के इस वेबिनार में, अपडेट सेशन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्वागत करती हूँ आज हमारे भी जितने भी पैनल्स में मौजूद हमारे लीडर्स से, उनका भी जूम जूम के माध्यम से जो भी हमें आज सुन पा रहे हैं उनका भी स्वागत है। एंड जो यूट्यूब से और अपना फेसबुक से जो भी हमें आज सुन पा रहे हैं उनका तहे दिल से मैं स्वागत करती हूँ। जैसे कि फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि कल हमारे बीच एस सर आए थे और उन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके से अपडेट्स दिए हैं। तो सबको यही होता है कि अपडेट्स का सेशन सब लोग बड़े एक्साइटेड होते हैं सुनने के लिए, कि जिस तरीके से वो आए, उन्होंने अपडेट्स दिए, उनके जो फेस में जो उनका बहुत एक्साइटमेंट दौर था उस वक्त का, जिस तरीके से वो इतने एक्साइटेड होके हर अपडेट्स को दे रहे थे, बता रहे थे, ब्रीफली उन्होंने जो जो बताया है, आज हम आपके पास इस अपडेट्स को लेकर आए हैं। तो मैं यहाँ पे इनवाइट करूंगी नीरज सर को। सर आइए, आपका स्वागत है। एंड कल के अपडेशन के बारे में हम कुछ उसमें गहराइयां जानना चाहेंगे। थैंक यू हरप्रीत जी, और नमस्ते सभी फाउंडर्स, पैनलिस्ट, एज वेल एज जो भी अटेंडीज है या यूट्यूब पे देख रहे हैं। वेलकम वेलकम टू दिस अपडेट सेशन। तो जैसे आपको मालूम है कि मैंने थर्सडे को एक्चुअली एक सेशन चालू किया है, वेबिनार, जिसका नाम होता है कि मैं ऑन पैसिव कैसे इम्पैक्ट करता है एक प्रोफेशन को। तो कल का सेशन था कि मार्केटर्स को कैसे इम्पैक्ट करता है या मार्केटर्स क्यों आना चाहिए ऑन पैसिव में। और मेरे को मालूम था कि ऐश खुद है एक मार्केटर है, इसलिए मैंने एक इनवाइट उनको भी भेजा था। और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फ्रैंकली कि वो आएंगे, क्योंकि उनका बहुत बिजी शेड्यूल रहता है। लेकिन थैंक यू ऐश, आप आए और डेफिनेटली इंडियंस को बहुत से अपडेट्स, नॉट ओनली इंडियन, सभी फाउंडर्स को बहुत अच्छे अपडेट्स दिए। तो मैं वो अपडेट्स आपको बताना चाहता हूँ। तो पहले बताना चाहता हूँ, कोई भी बिजनेस हो, उसका एक सिंपल लॉजिक रहता है कि आपके पास एक प्रोडक्ट रहता है और वो प्रोडक्ट एकदम वैल्यूएबल रहता है, और वो जब भी आप वैल्यूएबल देते हैं तभी लोग खरीदते हैं, और उसके लिए आपके पास प्रोडक्ट होता है, आपको वो मार्केटिंग करना पड़ता रहता है, एंड रिजल्ट उसका यानी थोड़ा पैसा, उसका पैसा आता है और ये सर्कल फिर से चालू रहता है। तो ये सिंपल बिजनेस है, और ये छोटा बिजनेस हो या बड़ा, कोई भी बड़ा बिजनेस हो, उसमें डिफरेंस नहीं पड़ता। तो कल उन्होंने एक एग्जांपल दिया था, टॉनी रॉबिन्स। टॉनी रॉबिन्स अगर आपको मालूम नहीं है, तो टॉनी रॉबिन्स एक वर्ल्ड नोन यानी स्पीकर है, मोटिवेशनल स्पीकर। तो ऐसा नहीं है कि वो भी, अगर उसका भी टॉक शो रहता है तो उसके लिए भी वो, उसको मार्केटिंग करना पड़ता रहता है, उसकी मार्केटिंग टीम होती है और वो मार्केटिंग करते हैं। तो बेसिकली वो बताना क्या चाहते थे कि आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा भी होगा तो भी मार्केटिंग बहुत इसेंशियल है बिजनेस का। तो वो बताना चाहते थे। नेक्स्ट उन्होंने पेपाल का एग्जाम्पल दिया था। पेपाल जब भी स्टार्ट हुआ था तो उनके पहले साल में 1 लाख कस्टमर हुए थे, और उन्होंने कुछ भी स्पेंड नहीं किया था। और तभी इलॉन मास्क आया, और इलॉन मास्क ने आ, 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 तभी डिसाइड, आई थिंक उन्होंने डिसाइड इंटरनली डिसाइड किया कि अभी वो हर एक कस्टमर को $20 देंगे जो है, और जिसको जो रेफर करेंगे उसको, उसके ऊपर भी वो कुछ
20 आई थिंक थोड़ा सा देंगे। तो हुआ क्या कि उनका जो पेपाल में जो अकाउंट्स ओपन कर रहे थे वो एकदम बढ़ गया। और तो पहले साल उन्होंने $20 दिया, दूसरे साल उन्होंने वो कम दिया, $10 किया, $5 किया, और ऐसे करके एक लेवल पे पहुंच गया वो पेपाल के अकाउंट्स की, वो एकदम वायरल हो गया। तो उन्होंने पेपाल का एग्जाम्पल क्यों दिया वो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे समझना, क्योंकि हमारा ऑन पैसिव ऑलरेडी 1.2 मिलियन लोग है। तो जो पेपाल और अभी तक हम प्री लॉन्च में ही है, तो हम ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं। तो हमें ये अभी तक किसी को भी कमीशन आया नहीं है। तो वो बताना चाहते थे कि हम जब भी लॉन्च हो गए तभी हम ये $10, $20 उसके बजाय ऐसे पेपाल जैसा नहीं करेंगे, हम एक बड़ी अमाउंट दे सकेंगे क्योंकि हमारे पास हम ऑलरेडी वायरल हो चुके हैं। तो वो एक बहुत अच्छा लगा। नेक्स्ट 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 ओके उन्होंने मार्केटिंग के बारे में बताया कि ये एकदम मार्केटिंग जो होता है वो हमेशा चेंज होता है, कि 10 साल पहले जो एक्चुअली मार्केटिंग होता था और आज का मेथड बहुत अलग है। और तो अगर आप कोई मार्केटर है आपको भी ये महसूस हुआ रहेगा कि जो पहले आप मार्केटिंग करते थे अभी वो चलता नहीं है। तो टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपको एक्चुअली एडजस्ट करना है। ओके और जो हमारा जो ट्रैफिक है जो आएगा वो गारंटी ट्रैफिक है। गारंटी ट्रैफिक यानी क्या कि ऑलरेडी जो मैं एक्चुअली हमारा सेशन होने के बाद मैंने एक जो एक एक एक्चुअली एक लाइक एक फाउंडर है टॉनी मॉन्क, उनसे बात किया था कि गारंटी ट्रैफिक यानी बेसिकली वो डायरेक्टली जो ट्रैफिक जो प्रोवाइड करते हैं उनको डायरेक्टली एक्चुअली कॉन्टैक्ट किया है। तो उनके पास बहुत बल्क ट्रैफिक रहता है और ऑलरेडी जेन्युइन ट्रैफिक रहता है। तो आपके पास जब भी हम पैसा भरेंगे और जब भी आपके पास ट्रैफिक आएगा वो एक्चुअली टारगेटेड ट्रैफिक रहेगा। इस वजह से वो कन्वर्जन्स बहुत बहुत अच्छे होने वाले हैं। और ये अभी आपको नहीं समझेगा, मैं सिर्फ बता रहा हूँ, लेकिन आपको एक्चुअली जब भी वो दिखेगा वो आपको ये नोटिस होगा। तो मार्केटिंग कैंपेन के बारे में उन्होंने बताया कि ये एकदम लेटेस्ट है और मार्केट को डिसरप्ट करेगा। और जो हमने बोला है कि टीवी वीडियो ये वो वैसा नहीं है, थोड़ा हटके है, लेकिन एक्चुअली हमारे जो इंडस्ट्री ने अभी तक ये देखा नहीं है। और मैंने सवाल किया था कि सर कन्वर्जन कितना है, तो आई थिंक वो कन्वर्जन उन्होंने बोला कि अगर 20 से 25 टक्का अगर कन्वर्जन नहीं है तो मैं ऐसे ट्रैफिक को देखता ही नहीं। और मेरा खुद का अनुमान है कि और जितना मैंने पहचाना है आई थिंक जो हमारे बड़े लीडर्स हैं इंडिया के और वर्ल्ड लीडर्स आई थिंक जो जिन्होंने आयश को देखा है वो डेफिनेटली बता सकेंगे कि उनका कन्वर्जन बहुत अच्छा है और हाईएस्ट, क्योंकि प्रोडक्ट्स भी अच्छे हैं और वो टॉप ट्रैफिक वेंडर्स को अप्रोच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली कन्वर्जन बहुत अच्छे होंगे। 20-25% के लिए सिंपल से बात बता रहा हूँ कि आपके 100 विजिटर्स आएंगे तो 20-25 लोग उसपे वो साइन अप करेंगे। साइन अप अलग होता है और आगे एक्टिवेट करेंगे वो अलग होता है। साइन अप यानी फ्री यूजर, वो देखेंगे वेबसाइट, उनको वैल्यू लगेगी तो वो जाके देखेंगे और कोई ना कोई प्रोडक्ट उनको अच्छा लगेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो डेफिनेटली
वो परचेज करेंगे। तो वो एक पार्ट था। बाद में उन्होंने हैदराबाद के बारे में बताया था कि हैदराबाद में हमारा जो कैपेसिटी है वो बाय द एंड ऑफ ईयर 1000 होगा। नाइट शिफ्ट्स होंगी और हैदराबाद में और एक बिल्डिंग देख रहे हैं। हैदराबाद में उनको सिंपल पड़ता है देखना एक दूसरा बिल्डिंग एज कंपेयर टू दूसरे जगह पे, इसलिए वो हैदराबाद में स्पेसिफिकली और एक बिल्डिंग देख रहे हैं। तो डेफिनेटली हैदराबाद में और एक बिल्डिंग आएगा तो और मजा आएगा। ओके, एक नया डिपार्टमेंट चालू हो गया ट्रेनिंग सेंटर करके। उसके तीन ड्यूटीज है मेनली। नंबर वन है कि जो भी हो रहा है कंपनी में वो डॉक्यूमेंट करना। यानी क्यों डॉक्यूमेंट करने का, क्योंकि अगर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जाता है तो नया एम्प्लॉय जब भी आता है तभी वो सिर्फ वो अगर पढ़ेगा वो सब तो उसको यानी नॉलेज मिल जाएगा कि कोडिंग क्या था, क्या एक्सपेक्टेड है, तो उनको एक बैकग्राउंड मिलता है और यानी बहुत जल्दी वो पिकअप कर सकेगा। सेकंड पॉइंट था कि ये जो ट्रेनिंग जो हमारे प्रोडक्ट्स है वो ट्यूटोरियल्स टेक्स्ट वीडियो फॉर्मेट में रहेंगे एवरी लैंग्वेज में, तो ये मेंटेन करना वो सेकंड उनका ऑब्जेक्टिव है। और तीसरा सेल्स यानी कि लैंडिंग पेजेस, सेल्स पेजेस, लैंडिंग पेजेस हमें दे सकते हैं जो हम शेयर कर सके। तो ये तीन पर्पस के लिए हैदराबाद में एक डिपार्टमेंट सेटअप हुआ है ट्रेनिंग सेंटर करके। के नेक्स्ट पार्ट बहुत बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बार उन्होंने बोला कि इंटरनेशनल इवेंट्स होंगे थ्रू आउट द ईयर, और सबसे बड़ी अच्छी बात इंडियंस के लिए है कि उन्होंने डेफिनेटली बोला कि वो एक इवेंट इंडिया में भी है और एटलीस्ट वन, तो आई एम श्योर बहुत से इवेंट रह सकते हैं, लेकिन वो बोले कि डेफिनेटली वो इवेंट में आएंगे और विद इन दिस ईयर, यानी अभी कितने मार्च चालू है तो 9 months में वो आएंगे, कभी तो आएंगे डेफिनेटली, आपको नोटिफाई करेंगे। तो अगर और वहां पे डिफरेंस ये होगा कि वो जो इवेंट होगा उसमें पॉलिटिशियंस यानी हाई लेवल पॉलिटिशियंस रहेंगे, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स रहेंगे, तो अगर आपको इनविटेशन मिलता है और तो पहले तो आप बहुत लकी होंगे क्योंकि आपको एज सर को मिलने को मिलेगा, लेकिन थोड़े से सिक्योरिटी मेजर्स रहेंगे क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आ रहे हैं, तो डेफिनेटली तो वो सब अगर हम जो फाउंडर्स मीट करते हैं और सिलेक्ट होते हैं तो उनको चांस मिल सकता है। तो ये बहुत मेरे को अच्छा लगा क्योंकि एज सर अभी तक नहीं आए हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम 2018, सो ये न्यूज बहुत अच्छी है इंडियंस के लिए। नेक्स्ट है कि कोविड का जो चल रहा था आजकल, कोविड चल रहा था वो अभी उसका इंटेंसिटी कम हुआ है, एम्प्लॉयज हार्डली कोई एम्प्लॉयज को कोविड हुआ है, तो वो एक बहुत अच्छी खबर बात है। और अभी जो मार्च में ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि अभी आज तारीख है 4 तारीख, तो नेक्स्ट उन्होंने बोला बाय द एंड ऑफ यानी मार्च में, एंड नहीं मार्च में उन्होंने बोला कि एक इवेंट रहेगा हमारे हैदराबाद के ऑडिटोरियम या हैदराबाद के ऑडिटोरियम जहां पे पहले तो नॉर्मली हम जब भी फाउंडर्स गए हैं तभी अराउंड 10 लोग गए थे, लेकिन इस बार उन्होंने बोला कि 10 से ज्यादा रहेंगे और ऑडिटोरियम में कुछ इवेंट रहेगा और बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा और ये मार्च में ही होने वाला है। तो डेफिनेटली वो अपडेट उसके अपडेट आते रहेंगे, तो प्लीज 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 वेबिनार देखते रहिए, आई एम श्योर उसका
कभी ना कभी अपडेट आता रहेगा। नेक्स्ट था कि जो मार्केटिंग कैंपेन का डेमो रन हुआ था और सचमुच जैसे वो बोला जाता है कि योर इयर्स विल पॉप, वैसे ही हुआ था उसके रिजल्ट से। तो बहुत अच्छा होने वाला है मार्केटिंग कैंपेन्स में, सो स्टे ट्यून्ड। ओके, अभी इंडिया के बारे में डेफिनेटली एक चीज उन्होंने बोली कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो यूट्यूबर्स या नेगेटिव लोग बहुत से वीडियोस डालते हैं और ये लोग विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑन पैसिव डालते हैं और वो ट्राई करते हैं कि ऑन पैसिव का नाम खराब करें। और ये उन्होंने बोला एक सिंपल लॉजिक है कि आपके पास यानी 1.2 मिलियन लोग है तो डेफिनेटली ये ऐसे लोग पैदा होंगे और ऐसे वीडियोस डालते रहेंगे क्योंकि उनको उनको तो अपने व्यूज से मतलब है, तो बाय नेचुरल वो ऐसे लोग आएंगे। लेकिन अभी कंपनी वेरी वेरी सीरियस हुई है तो उन्होंने क्लियरली बोला लीड अगर कोई स्कैम यूज करता है या लीडर्स का नाम लेता है या ऑन पैसिव का नाम खराब करता है और करने जाता है तो अभी वो जो पहले का लेवल था उसका उन्होंने लेवल अप किया है। लास्ट टाइम मैंने बताया था या हमने आपको बताया था कि बजट एलोकेट किया है, तो इस बार अभी उन्होंने बोला कि वो तो डायरेक्ट लीगल एक्शन होगा, उनको नोटिसेस जा सकती है। तो डेफिनेटली प्लीज 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 अगर आप समझदार हो, मैं इतना ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी यूट्यूबर्स को जो थोड़े से जो वीडियोस बनाते हैं, प्लीज प्लीज समझदारी से बनाइए, ये आपके भले के लिए है, आगे आपकी मर्जी। तो कोर्ट में खींच सकते हैं, कोर्ट में अटोर्नी फीस रहेंगी और ये बहुत सीरियस थे इसके बारे में। तो अभी आपको ये बात समझनी है कि हम अगर हम उसके बारे में इतने सीरियस है तो उसका मतलब है कि हम लॉन्च के बहुत करीब है और ये हम स्ट्रेट करना चाहते हैं नेगेटिव वीडियोस को। ओके, तो बाद में उन्होंने बोला कि जो नॉर्मली जो दूसरे प्रोग्राम्स रहते हैं उनकी लाइफ स्पैन अंदाज से 28 दिन रहती है और वो डिसअपीयर होते हैं, लेकिन ऑन पैसिव 2018 से बंद रहा है और डेफिनेटली अभी भी खड़ा है। तो वी आर ए यानी हाउस होल्ड नेम है, जैसे मैं बोला कि ये यहाँ पे बहुत वायरल ट्रैफिक है। और उन्होंने बोला कि एक बड़ा जब भी हम लॉन्च होंगे तभी एक बड़ा अर्थक्वेक होगा और उसके बाद में शॉक वेव्स होंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा आगे का सफर। मार्च का महीना उन्होंने बोला बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे वुमेन्स डे है, स्प्रिंग चालू हो रही है, प्लस मदर्स डे भी आने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगा। तो हो सकता है कि आपको बहुत कुछ एक्शन दिखे मार्च में। मैं गुस्पिंदर से बात कर रहा था उसके बाद में तो मैंने रियलाइज किया कि वुमेन्स डे आई थिंक 8 मार्च को है, तो जस्ट आपको बता रहा हूँ। ओके, ओ ब्लेस और ओ अकेडमी आपका आपके लाइफ में मेजर आपको यानी मेजर चेंज बनाएगा आपके लाइफ को। तो कल के वेबिनार में मैंने एक एक्चुअली सवाल किया था कि सर हमें आप बोलते हैं कि हमें फ्रैक्शन ही मालूम है और जो बड़ा पार्ट है आपको मालूम ही नहीं है, तो हमें अंदाज से बताइए कि हमें कितना मालूम है। तभी उन्होंने बाकी तो बताया लेकिन उन्होंने एक जाते जाते ये बोला था कि
बॉस्टन और हार्वर्ड से मैं कुछ काम कर रहा हूँ, तो लोग हमेशा बोलते हैं, सर ये तो ट्रैवल करने वाले थे, ये तो बॉस्टन में इतने टाइम रुके हैं, तो क्यों रुके हैं? तो आई होप आपको आंसर मिल गया रहेगा कि वो बॉस्टन में क्यों रुके हैं। तो जब हो सकता है कि वो एकेडमी के कोर्सेज डिजाइन कर रहे हैं, और अब अगर अगर हार्वर्ड और बॉस्टन यूनिवर्सिटी से कुछ टाई अप और या कोर्सेज रहेंगे, तो प्लीज आप इसका पोटेंशियल समझिए कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अगर कोर्सेज यहाँ पे आएंगे, तो प्लीज प्लीज समझिए कि इतना इसका क्या पोटेंशियल है जी। जस्ट मैं इमेजिन कर रहा हूँ, उन्होंने स्पेसिफिक दिए नहीं थे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया था। कि हमारे प्रोडक्ट्स है वो बहुत, उसके बहुत एडवांटेजेस रहेंगे, सिंपल रहेंगे, चीप रहेंगे, सुपीरियर रहेंगे दूसरे प्रोडक्ट से। और यहाँ पे यानी हमें बिग स्लाइस ऑफ मार्केट कैप, यानी जो जो मार्केट कैप है पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, तो उसमें से बड़ा स्लाइस हम ले सकते हैं। और बड़ा स्लाइस ले सकते हैं तो उसका फायदा किसको होगा? सबको सबको होगा। तो वो था स्पिरिट। ओके, ओ वॉलेट के बारे में बताया कि ओ वॉलेट है वो इंटीग्रेट हुआ है, इंटीग्रेटेड विथ अदर प्रोडक्ट्स, यानी सभी प्रोडक्ट्स के साथ ओ वॉलेट हुआ है। और ये स्टैंड अलोन एप्लीकेशन भी है। और ओके, नेक्स्ट उन्होंने बताया कि आपको सिर्फ यानी तीन लोग चाहिए, तीन लोग अगर आपको मिल जाते हैं तो यानी आप जो पेमेंट कर रहे हैं वो तीन लोग आने के बाद आप पेमेंट रिसीव करेंगे, और आगे तो यानी जो रेशियो रहेगा जो भरने का वर्सेस मिलने का, तो जब भी तीन लोग आएंगे तभी रिसीविंग ज्यादा रहेगा और आपका यानी पेमेंट कम रहेगा। तो और ये तीन लोग डेफिनेटली सबको मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत से रिसोर्सेस से लोग आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो ट्रिपल एंट्री का भी उन्होंने थोड़ा सा मेंशन किया था, तो डेफिनेटली ये उसके बारे में आप ज्यादा सोचिए मत कि अरे मैंने तीन रिक्रूट नहीं किए। डोंट वरी, आप इसमें आ चुके हैं, बहुत इम्पोर्टेंट है, आगे जाके आपको आप इस पे बने रहिए, डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा। और उन्होंने बोला कि हम तीन लोग पे स्टॉप नहीं करेंगे, कि फॉर एग्जांपल अगर ईच आदमी, हर एक आदमी 1.2 मिलियन लोग अगर तीन लोग ला सकते हैं तो कंपनी बहुत बहुत बड़ी होगी। और वो तो छोड़िए, तीन लोग अगर कोई तो बहुत से मेजॉरिटी नहीं काम करते तो भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने यानी ब्लास्ट किया है। फॉर एग्जांपल माइकल विलियम्स है, हमारे गुस्मिंदर जी, जस्सी जी, मांगेराम जी एंड ऑल अदर्स, मैं सबके नाम एक्चुअली भूल जाऊंगा सबके नाम लेने के लिए, तो इसलिए एंड ऑल द ग्रेट लीडर्स एड्रेस करूंगा। तो वो था ओ एकेडमी में आपको यानी ओ एकेडमी में आप ओ वॉलेट से पे कर सकते हो। ओके, उन्होंने ओ वॉलेट का एक एडवांटेज बताया कि ओ वॉलेट में जब भी आपके पास पैसा आएगा तो आपके पास एक ऑप्शन भी है कि आप ओब्लेस में दे सकते हैं। उसके एडवांटेज उन्होंने बोला कि उसका आईटी यानी ये रहेगा, आईटी का जो डिडक्शन यानी आपको बेनिफिट मिलता है, टैक्स जब भी भरते उसका रहेगा डेफिनेटली। अगर आगे जाके
कोई अगर सीए है या मे बी गुस्मिंदर या कोई और लीडर्स है तो उसके बारे में बता सकते हैं। नेक्स्ट था ओमेल के बारे में। ओमेल के बारे में उन्होंने बोला कि बहुत अच्छे फीचर्स उसमें इंक्लूड किए हैं। फॉर एग्जांपल आप एक मल्टीपल ईमेल एड्रेस को एक ऐसा ग्रुपिंग दे सकते हो। सो फॉर एग्जांपल आपके सिर्फ आपके जो भी आपकी टीम है तो आप टीम करके नाम दे सकते हो और जो आपके नीचे ज्वाइन होते हैं उनको ऐड कर सकते हो। तो अगर आपको एक एक ही मैसेज सबको देना है तो जस्ट टीम ग्रुप में टीम सिलेक्ट करके सबको भेज सकते हो। तो उन्होंने बोला ये फीचर एक्चुअली याहू में नहीं था तो वो हम इंक्लूड कर रहे हैं। प्लस थोड़े से फीचर्स यानी अगर आप माइकल विलियम्स को मेल लिख रहे हो और नॉर्मली लिखते हो और अगर MIC करके टाइप करते तो ऑटोमेटिकली वो ऑटो पॉपुलेट करके माइकल का नाम आता है। तो वो है और तो यानी ओमेल बहुत इंटरेस्टिंग है लेटेस्ट फीचर्स वाले। मैं बोला ओ डोमेन में आपको लिमिटलेस सब डोमेन आएंगे। सब डोमेन यानी एक एक मेन होता है फॉर एग्जांपल neerajdahivi.com ये मेरा मेन एड्रेस रहेगा। उसके उसके अंदर मेरे बहुत कैटेगरीज हो सकती है अनलिमिटेड सब डोमेन्स हो सकते हैं। उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया कि हम फॉर एग्जांपल हमारे जो टूल्स है वो एक 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 अच्छा फोटो आप डाल सकते हैं मे बी फेसबुक या किधर नॉट फेसबुक बट डाल सकते हैं और उसमें आप लिंक भेज सकते हैं कि इफ यू आर इंटरेस्टेड इन क्रिएटिंग फोटोज लाइक दिस क्लिक ऑन दिस लिंक एंड जॉइन ऑन पैसिव। यानी ये उन्होंने बोला कि आप ऐसे भी एडवर्टाइजिंग कर सकते हो कि नेक्स्ट है कि आपका अगर कोर्स है ओ एकेडमी में या आप ओब्लेस यूज करना चाहते हो तो आप ग्लोबली और इंटरनली दोनों तरफ से कर सकते हो ऑन पैसिव पे। तो लेकिन उसके कुछ गाइडलाइंस रहेंगे तो हमें वो फॉलो करनी पड़ेगी। उन्होंने गोडैडी का एग्जांपल दिया था कि गोडैडी में अराउंड 6,000 एम्प्लॉइज है और उनके अराउंड 2 मिलियन उनके 1.8 मिलियन कस्टमर्स है और वो बहुत टाइम से बिजनेस में है। लेकिन यहाँ पे हम ऑलरेडी 1.2 बिलियन है तो बिलियन मैं हमेशा बोलता हूँ मिलियन तो यहाँ पे ऑलरेडी हमारे डोमेन्स है। डोमेन यानी नथिंग बट आपका वेबसाइट, आपका वेबसाइट का जो नाम है उसको डोमेन बोलते हैं। तो वो ऑलरेडी हमारे जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो ऑलरेडी हमारे 1.2 मिलियन डोमेन्स होंगे और अभी तो हम शुरुआत कर रहे हैं तो थोड़े ही दिनों में या महीनों में हम बहुत बड़ा डोमेन प्रोवाइडर बनेंगे और हो सकता है कि आगे जाके हम एक्चुअली उन्होंने थोड़ा टेक्निकल टर्म बोला कि जो आईपी एड्रेस होता है आईपी एड्रेस यानी आपका इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो या डिवाइस को एक्सेस करते हैं तो हर एक को एक आईपी एड्रेस दिया जाता है। तो जो आईपी एड्रेस पहले एलोकेट किए जाते थे एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट था वो एलोकेट करता था हर एक डिवाइस को आईपी एड्रेस तो वो जो था वो पुराना मेथड था। तो वो अभी नियरली खत्म हो रहा है जो एड्रेसेस एलोकेट किए थे। लेकिन हमारा जो डेटा सेंटर बन रहा है अभी उसमें हम IPv6 करके जो नया टेक्नोलॉजी है आईपी एड्रेस का तो उससे जा रहे हैं। तो उससे क्या होगा उसका एडवांटेज ये होगा कि आगे जाके ये जो बड़े बड़े जो डोमेन डोमेन
प्रोवाइडर्स हैं वो हमारे ऑन पैसिव पे आएंगे, और ये बहुत बहुत बड़ी चीज है। तो आपको टेक्निकल इसके बारे में मालूम नहीं होना चाहिए, लेकिन प्लीज समझिए कि हम लेटेस्ट आईपी एड्रेस के साथ, यानी हमारा जो डेटा सेंटर है वो प्रोवाइड करेगा, और इसलिए डेटा सेंटर बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्लीज आप अगर आप प्लीज इसका स्कोप समझिए, जो आपका लेवल ऑफ थिंकिंग है कि ओके एक महीना दो महीने में स्टार्ट होगा, आएगा कि नहीं, वो थिंकिंग से आप अभी सोचना यानी बढ़ा दीजिए कि अरे ये है, इसका स्कोप इतना है। आप किसी से टेकी जो पर्सन है उससे बात कीजिए, आपको समझ जाएगा कि इसका क्या स्कोप है। नेक्स्ट मिनट, सो एक दो क्वेश्चंस आए थे हम हमारे फ्रांस से, हेनरी करके थे, हेनरी नहीं सॉरी, मैं हमेशा उनको हेनरी बोलता हूँ, लेकिन उनका नाम था थियरी ओको। उन्होंने सवाल किया था, एक तो लाइक उसने कुछ सवाल किए थे कि व्हाट विल बी द प्राइस पॉइंट ऑफ पैकेज ड्यूरिंग द मार्केटिंग कैंपेन, तो उसका भी उन्होंने आंसर दिया था, तो डेफिनेटली वो देख लीजिए। और हायर पैकेजेस के बारे में, पैकेजेस ट्रैफिक पैकेजेस के बारे में बताया था कि डेफिनेटली अगर आपकी आप यानी आपकी ग्रोथ आप अगर ग्रोथ बहुत जल्दी चाहते हैं तो डेफिनेटली हायर पैकेजेस रहेंगे, तो आप परचेज कर सकते हैं कुछ काम आजकल के। तो आई थिंक वो अपडेट्स थे, आई थिंक मेरे अपडेट्स खत्म हुए हैं। तो वंस अगेन मैं यही बोलूंगा कि तीन लोग अगर आपके आ जाते हैं तो आप यानी इतना ही सोचिए कि आप पे यानी रिसीविंग ज्यादा करेंगे और पे यानी आपका यानी जो प्रॉफिट लेवल चालू हो जाए। तो वही है, बाकी के अभी लीडर्स हैं तो कोई बोलना चाहता है तो पुष्पिंदर जी और या कोई लीडर्स। थैंक यू नीरज, वाओ, गुड इवनिंग इंडिया एंड गुड इवनिंग ऑल द पैनलिस्ट, जितने भी हमारे पैनल पे गेस्ट हैं, तो वेलकम एवरीबॉडी। नीरज एज यूजुअल आपने बहुत अच्छे तरीके से बोला, बहुत अच्छा आप समझते हो ऑन पैसिव को, बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हो, एंड वी आर सो प्राउड ऑफ यू नीरज। बहुत अच्छा आपने अपडेट्स दिए हैं, डेफिनेटली बैक ऑफिस में भी हैं हमारे अपडेट्स एंड और बाकी लोगों को तो अपडेट्स भी मिल गए हैं, यूट्यूब में काफी लोगों ने देखे हैं चीजें, वहां से भी कुछ अपडेट मिले हैं। बट मैं बात चलो YouTube से करता हूँ, अगर बात चली है अभी तो YouTube में ना अभी जैसे मैंने काफी देखी अपडेट्स की, ठीक है ना, अभी जो आज वाला जो कल वाला अपडेट जैसे, तो प्लीज मैं दो तीन को तो अभी मैसेज भी करके हटा हूँ कुछ उसमें इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो दे रहे हैं, सही दे रहे हैं इंफॉर्मेशन, बट उनमें से कुछ इंफॉर्मेशन है वो शायद समझ नहीं पाते तो यहाँ पता नहीं ढंग से देखते नहीं है तो वो कुछ बातें गलत, सॉरी म्यूट कर दो जो उनको, ये ऐसे थोड़ा सा उनको कौशिक म्यूट कर दो, डॉक्टर एलडी भगत को जैसा ये बाथरूम है ना, हाँ मतलब ग्लास टाइप उधर वाले के साथ किचन ना, वो भी ऐसा, उनको म्यूट कर दो कौशिक। Are you here? आराम से, आराम से। पहले इधर पहले नीरज यहाँ पे आने के लिए मेरे को एक्चुअली एक्सेस नहीं है, कौशिक इज नॉट हियर।
तो इफ यू कैन कॉल डॉक्टर भगत, आप उनको बोले कि या तो आप म्यूट कर लो। आते कहां से? उधर से राइट। ओके ओके मैं कॉल। या ऐसे ही होता है, टेक्नोलॉजी है, कोई बात नहीं। टेक्नोलॉजी में कई बार नहीं मालूम चलता कि हमारा माइक ऑन है। एंड चलो हम सब सीख रहे हैं धीरे धीरे, बहुत सारी चीजें हम लोग सीख रहे हैं। Hello? सीखते रहेंगे। एंड चलिए आई थिंक उन्होंने कर लिया है। सो सर आप कंटिन्यू कर सकते हैं, कर लिया उन्होंने। आया आया डेफिनेटली। तो यस यूट्यूब्स की यूट्यूबर्स की बात कर रहे थे जो हमारे यूट्यूबर्स हैं। जैसे ऐश ने बोला है बहुत सारी चीजें, तो लॉट ऑफ एक्साइटमेंट भी होती है सब में, वीडियो बनाने की एक्साइटमेंट भी होती है। तो मेरा सबसे रिक्वेस्ट है हमारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं, फाउंडर्स जो यूट्यूबर्स हैं, कि जो इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो लोगों को बेसिकली, वो थोड़ा और उसको स्टडी कर ले, एक दो बार देख स्टडी कर लिया करो कि हम जो बोल रहे हैं बेसिकली वो क्या सही बोला है हमने वीडियो में। थोड़ा रेफर चेक कर लिया करें फिर से दोबारा से वहां पे। ओके या बैक ऑफिस में एक बार जब वीडियो आप बना लेते हो तो फिर से रीचेक कर लो उसको, वेरीफाई करने के लिए कि क्या जो हमने बोला है वो इफ दैट इज ओके या नहीं है। जैसे चलो मैं नाम नहीं लूंगा, एक दो बातें मैं बताता हूँ। जैसे कि ऐश ने बोला था कि हम लोग स्क्रूटनाइज कर रहे हैं फाउंडर्स को ही, जो अच्छा कर रहे हैं, कुछ बढ़िया कर रहे हैं, तो उनकी लिस्ट भी तैयार हो रही है। और वो 28 स्टेट्स जो इंडिया की हैं, 28 स्टेट्स हैं उनमें सारे में से, क्योंकि मेरी भी बात हुई थी ऐसे अभी पीछे आई थिंक जनवरी में, तो वही बात हो रही थी कि रिप्रेजेंटेशन, हम क्योंकि हम लोग सारे इंडिया में हैं तो सारे के सारे स्टेट्स को हम लोग रिप्रेजेंट करें। जब भी हम यहाँ पे हैदराबाद ऑफिस में बुलाएं हमारे फाउंडर्स को, क्योंकि और फिर हमारे मेरी और ऐश की बात ये चली थी कि जैसे जब मैं नवंबर में गया था तो 10 लोग ही गए थे, तो 10 स्टेट्स तो 28 हैं, 10 लोग जाएंगे तो इतना बड़ा इंडिया है, तो मतलब कि हर एक का दिल चाहता है कि हम भी ऑफिस में जाएं वहां पे। तो जब मैंने ऐश को फीडबैक दी कि कैसे लोग बाहर खड़े हुए थे, कैसे कुछ हमारी लेडीज फाउंडर हैं, एक जम्मू कश्मीर से वो आर्मी में भी हैं, उनके हस्बैंड रिटायर्ड, तो वो भी बेचारे वहां पे आए, बट क्योंकि परमिशन नहीं थी वहां जाने की, क्योंकि बाई परमिशन ही हम लोग वहां पे जा सकते हैं। तो मैंने वही ऐश को बोला कि वहां पे ज्यादा लोग होने चाहिए असल में, हर एक स्टेट से, क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं इंडिया को, तो हर एक स्टेट से कम एक आदमी तो हो ना, एक फाउंडर तो कम से कम होना चाहिए वहां पे। तो एक्चुअल में ऐश का तो ये था कि एक्चुअल में क्योंकि जब इतने लोग जाते हैं तो एक्चुअली वहां पे काम हो रहा है तो थोड़ा डिस्टर्ब भी होते हैं, एक दिन पूरा ऑलमोस्ट चला जाता है काम का भी। एंड तो थोड़ा वो ऐश को था कि थोड़ा कम ही रखें बेसिकली, है ना। तो फिर बाद में बात करते करते ये टॉपिक फिर हमने वो किया कि चलो यहाँ पे एक फाउंडर्स डे ही रखा जाए, हमारे पास ऑडिटोरियम है। तो ऐश ने बोला कि हाँ वो कर सकते हैं हम लोग, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा जितने भी हम फाउंडर्स को, कि हमारे पास 150 की कैपेसिटी हमारे ऑडिटोरियम में, तो वहां पे मतलब हम अपने फाउंडर्स को वहां पे लेके जा सकते हैं, मेबी 100 हो सकते हैं, 50 हो सकते हैं या 150 भी हो सकते हैं, जितने कैपेसिटी है वो टाइम बताएगा। तो उससे क्या रिप्रेजेंटेशन एक एक दो दो करके हम लोग ऑल द 28 स्टेट्स जो हमारी है उनमें हम लोग कर पाएंगे। सो दैट आइडिया वॉज लाइक ऐश को अच्छा लगा और उन्होंने बोला कि यस इस पे हम लोग काम कर सकते हैं, या मे बी ये हो सकता है कि कुछ सिलेक्टेड फाउंडर पहले चले जाए ऑफिस देखने के लिए, एंड देन बाद वाले में एक वहां पे इवेंट क्रिएट करके वहां पे ऑडिटोरियम में वो हो सारा कुछ, सो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ वक्त तो वो सारा कुछ अभी पाइपलाइन में करके ऐश ने, तो उसको अभी करने हैं, मे बी इसी मार्च में आपको देखने को मिलेगा कि हमारे फाउंडर्स वहां पे जाएंगे। वो क्राइटेरिया अलग से, इसलिए वो अचानक नहीं होगा कि शायद अभी हम कुछ आप लोग करने लग जाओ तो आप नोटिस में हो जाएंगे, वो जो लोग कर रहे हैं ऑलरेडी वो मालूम है। जैसे मैंने हमेशा आपको बताता आ रहा हूँ, जो लोग जो जो कुछ कर रहे हैं ऑलरेडी टीम बैठी हुई है, वो सब मालूम है उनको, कौन सही है, कौन गलत है, कौन बुरा बोल रहा है, कौन अच्छा कर रहा है,
कौन है यहाँ पे, कौन नहीं है हमारे साथ, ठीक है ना, तो सारा मालूम है उनको, तो वो एक क्राइटेरिया है बेसिकली सारा का सारा। तो इसीलिए सरप्राइज मत होना कि कोई ऐसा आदमी भी लोग भी जाएंगे जिनको शायद आप नहीं जानते बट वो एक्चुअल में अच्छा कर रहे हैं। ओके, जैसे लास्ट टाइम भी हमारे साथ एक आई थिंक उड़ीसा से गए थे, डिप्टी कलेक्टर थे, शायद आपको मालूम, आज भी आपके सामने नहीं है वो, बट ही वॉज देयर बिकॉज ही वॉज डूइंग समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी वहां पे अपने अपने एरिया में। नो डाउट इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल बट उसके बावजूद भी वो कुछ ऐसा कर रहे थे। ओके, तो ऐसा है, तो ये क्राइटेरिया नहीं किया कि मतलब कि सो बहुत कुछ है बेसिकली। सो इसलिए जस्ट ऑन पैस में जुड़े रहिए, इसमें बहुत कुछ हो रहा है, होता रहना है, इस बार नहीं बारी लगेगी नेक्स्ट मंथ लग जाएगी उसके, ना बहुत सारा कुछ होने वाला है अभी आने वाला है। सो अल्टीमेटली मेरे कहने का मतलब ये है कि यूट्यूबर्स प्लीज इसको इन्फॉर्मेशन जो आप देते हो तो प्लीज उसको चेक कर लिए। 28 कंट्रीज नहीं है, 28 स्टेट्स हैं जिससे इंडिया के लोगों को चुना जाएगा और वहां जाएगा, ना कि 28 कंट्रीज के लोग वहां पे आएंगे। तो पहली करेक्शन ये है। दूसरी करेक्शन ये है कि ये नहीं है कि वो पॉलिटिशियंस और ये वो वहां पे ऑफिस में जा रहे हैं और उसी इवेंट में जा रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। ओके, वो कुछ अलग इवेंट है। ओके, वो बहुत बड़ी इवेंट होगी, वो ये नहीं कि अभी हो रही है, पर कभी भी हो सकती है वो। ओके, वो एनीवे वो डेट नहीं आपको मालूम, वो ऐश बताएंगे आपको, हम सबको बताएंगे। तो वो बहुत बहुत बड़ी इवेंट होगी, जब भी होगी बहुत कुछ होगा उसमें। जैसे ऐश ने बोला है कि पॉलिटिशियंस भी होंगे, सेलिब्रिटीज भी होंगे, बड़े बड़े नाम होंगे इंडिया के, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, इंडिया की गवर्नमेंट उसके ऑफिशियल्स होंगे, सो बहुत कुछ है। ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ऐश कहाँ बात कर रहे हैं बेसिकली, कहाँ कहाँ लिंक्ड अप है जो ऑन पैसिव, कहाँ कहाँ गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जाके काम कर रही है। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग कि बड़े बड़े गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी उस इवेंट में होंगे, बट वो कब होगी इवेंट, वो एक बड़ा एक इवेंट है। ओके, उसमें ऐश भी आएंगे होपफुली, ठीक है ना, ये कह नहीं सकते। ट्राई टू अंडरस्टैंड हर एक बात को, जब फाइनलाइज होगी तब हम फाइनलाइज बोलेंगे, ये नहीं कि आज ही हम बोलते हैं कि ऐश भी आएंगे, मे बी आएंगे नहीं है, बट उन्होंने बोला कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। ओके, वो इंडिया आने की उनकी ऐश की, तो जैसे नीरज भी अभी बता रहे थे कि क्यों इंडिया आ रहे हैं। ओके, देर आर सर्टन रीजंस। ओके, ऑन पैसिव इतनी बड़ी हो चुकी है, हम लोग लॉन्च हो रहे हैं, तो इसलिए सारा कुछ हो रहा है। तो ऐसे ही बहुत सारे इवेंट्स वर्ल्ड में। तो करेक्शन जो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे हमारे फाउंडर्स प्लीज इस चीज को जरूर ध्यान में रखा करो कि आप जब इंफॉर्मेशन देते हो तो वो सही देनी है, और क्योंकि आप जो इन्फॉर्मेशन देते हो लोग देख रहे हैं, लोग देख रहे हैं तो आगे बता रहे हैं, आगे बताने वाला भी वही इन्फॉर्मेशन उठा के उनको दे रहा है कि यहाँ तो 28 कंट्रीज के लोग आ रहे हैं हैदराबाद ऑफिस। नो, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, वो इंडिया के ही हैं, तो इसलिए गलत इन्फॉर्मेशन हमें मार्केट में बिल्कुल भी नहीं देनी। और दूसरी बात मैं हमारे यूट्यूबर्स को बोलना चाहता हूँ, प्लीज आप अपने थंबनेल्स बिल्कुल सही कर लीजिए। ओके, ऐश बहुत स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, हमारे जो फाउंडर्स हैं, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, बाकियों को तो ऐश को मालूम है सारा, बाकी वो अपने अपने लेवल पे काम कर रहे हैं, बट हमारे जो फाउंडर्स, मैं वही कह रहा हूँ, किसी की मतलब कि इतनी सारी वीडियोस हैं, वो आप उठा के मेरी फोटो लगा देते हो और वहां पे ब्रेकिंग न्यूज से बना देते हो, हमारे जो फाउंडर्स वीडियो बना रहे हैं, प्लीज ऐसा मत करो यार, आप अपनी फोटो लगाओ यार, आप लिख लो वहां पे, और अच्छा सर जस्ट अपडेट भी लिख दोगे आप वहां पे, अपडेट बाय ऐश सर, बात खत्म, वो भी लोग क्लिक कर लेंगे, टेंशन मत लो। ओके, तो फोटो लगा के अंदर कुछ और बोला गया है या जो भी कुछ है, तो प्लीज फोटो को यूज करना बंद कर दीजिए, किसी की भी फोटो मत लगाओ यार। हम लोग एक नया इंटरनेट बना रहे हैं, और हम अगर वही पुराना घिसा पेटा वो चीजें फिर वो करेंगे अपनी वीडियोस और यूट्यूब, वो फायदा कुछ नहीं है। ओके, अगर आपने वीडियो बनानी है ऑथेंटिक बनाओ, आप अपनी फोटो लगाइए, आप अच्छे सुंदर हो, बहुत अच्छा, अगर आप कुछ कर रहे हो, आप इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो, आप अपनी फोटो लगाइए, ठीक है ना। मैंने देखा जस्सी भाई की फोटोज लगी हुई है, उन्होंने कहा भी नहीं है कुछ और वो बना के कैप्शन डाल देते हैं कि ऐसा है ऐसा है, ठीक है ना। सो प्लीज जितने भी हम लीडर्स हैं, आप अपनी फोटो लगाइए, हमारी प्लीज रहने दीजिए, कोई फायदा नहीं उसका। ओके, तो ऑथेंटिक जो एक बात होती है वही करने की हम लोग कोशिश करें। ओके, वही इंटरनेट पे करने की कोशिश करें, ना कि वो एक जो ट्रेडिशन चलती आ रही है कि एक सनसनी खेज बना के वहां दे दिया जाए और पता नहीं बीच में कुछ निकले ना निकले। तो इस चीज को हम लोग बिल्कुल, इस चीज से हम लोग ना थोड़ा, हमारे जितने यूट्यूबर हैं
हमारे लेडीज भी हैं, हमारे जेंट्स भी यूट्यूबर्स हैं, तो वो प्लीज थोड़ा ख्याल रखिए। उसका एक फायदा आपको ये होने वाला है, जो टीम बैठी हुई है सारी की सारी हैदराबाद में वॉच कर रही है, ओके, लॉयर्स वॉच कर रहे हैं आप, तो गलत होगा तो वो देखेंगे, वो भी देख रहे हैं। तो ऐश ने उसके साथ साथ में वही बोला कि अगर जो भी गलत है उसको उसको वो टीम अपने आप, जो लॉयर्स वाली टीम है हमारी हैदराबाद ऑफिस में है, इवन कि अब तो एक फुल टाइम जो जज हैं रिटायर्ड वो भी फुल टाइम हमारे हैदराबाद ऑफिस में बैठने लग गए हैं। तो देखो ऑन पैसिव किस लेवल के ऊपर, लीगैलिटी के ऊपर काम कर रही है, ठीक है ना, तो वो वहां के लेवल का काम है। तो अगर आप हमारे फाउंडर्स वहां पे अच्छा लिख रहे हैं या गलत भी कर रहे हैं तो आपको अपने वो लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ओके। तो इसलिए मैं आपको, आपके थंबनेल्स बिल्कुल ऑथेंटिक अच्छे हों, किसी की वहां फोटो यूज करने की जरूरत ही नहीं है, अपनी खुद की फोटो करिए वहां पे यूज, और अगर आपने वहां पे कैप्शन डालना है कोई अच्छा सा, या ओनली अपडेट लिख दे वो भी चलेगा, ओके। तो सनसनीखेज लाइन वहां लिखने की जरूरत नहीं है, उससे कोई फायदा नहीं होता, ओके। तो इस बात को थोड़ा आप ध्यान रखिए, अदरवाइज एवरीथिंग इज गुड। चीजों को समझिए, डोमेन नेम्स क्या हैं, डोमेन नेम्स के ऊपर भी कुछ हमारे यूट्यूब गलत जानकारी दे दी गई है, ओके। डोमेन हमेशा याद रखो एक ही होता है, वो डुप्लीकेट नहीं होगा, डोमेन ये टेक्नोलॉजी है आपका। अगर अगर कौशिक पांड्या डॉट कॉम है तो कौशिक पांड्या डॉट कॉम ही उसका डुप्लीकेट नहीं बनेगा कभी भी, ओके। तो कुछ यूट्यूबर्स ने इन्फॉर्मेशन ये भी दी हुई है कि आपके बहुत सारे डोमेन नेम बनने वाले हैं, नो, डोमेन सब डोमेन हो सकते हैं, ओके, बट डोमेन एक ही रहेगा वो, ओके। तो सब डोमेन उसके साथ लिंक्ड अप होंगे आपके मेन डोमेन के साथ, तो ये याद रखो, सीखिए टेक्नोलॉजी को कैसे वर्क करती है, या बोला गया है जब ऐश की तरफ अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो उसको उसको उसके ऊपर वीडियो मत बनाइए, मैं सीधा से बता रहा हूँ, क्योंकि वो गलत इन्फॉर्मेशन फिर वही जाएगी कहाँ, हैदराबाद ऑफिस वाले जो टीम बैठी हुई है वो सब देख रहे हैं, ओके। तो अगर आप गलत बोलोगे तो वो अपने आप आपको फिर कॉन्टेक्ट करेंगे, ओके। तो गलत इन्फॉर्मेशन प्लीज मत दीजिए, टेक्नोलॉजी को जानिए, जानने के बाद फिर वीडियो बनाइए, ओके। तो जो ऑथेंटिक वीडियो है उसको बनाइए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रोल प्ले, जो इन्फॉर्मेशन है ऑन पैसिव की लोगों को देना, ये बहुत बड़ा एक रोल प्ले कर रही है इंडियन मार्केट में खास करके, ओके। तो इंडियन मार्केट में ही इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, बाकी लोग वर्ल्ड के तो बहुत कुछ समझो हैं, हमारे यहाँ पे क्योंकि बहुत गलत इन्फॉर्मेशन मार्केट में छोड़ दी गई है बिना सोचे समझे, ओके। ऑन पैसिव बड़ी एक मार्केटिंग रेवोल्यूशन लाने वाली है, ओके, अभी आ रहा है थोड़े दिनों मार्केटिंग, सब कुछ फ्लिप फ्लॉप होने वाला है मार्केटिंग की दुनिया में, कंपनीज की दुनिया में, ओके, ऑन पैसिव के द्वारा, ओके। तो अगर आप मार्केट में जस्ट यूं ही ऐसी इंफॉर्मेशन छोटी सी दे रहे हो तो आप अपनी कंपनी के साथ भी जस्टिफाई नहीं कर रहे, इतनी बड़ी है ये कंपनी, मतलब उसको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के जरिए आप बयान नहीं कर पाओगे, और ना ही उसके लिए आपको मालूम है बेसिकली कि हाउ द थिंग्स वर्क्स, हाउ द मार्केटिंग वर्क्स। इसलिए कल भी जब वेबिनार हुआ, कल नीरज ने जो गेस्ट बुलाए हुए थे वहां पे सारे, तो सारे मार्केटर थे, तो वो लोग इसकी वैल्यू समझ रहे हैं, इसलिए वो लोग यहाँ पे वो लोग इसीलिए यहाँ पे आए हुए हैं, उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं, मार्टी एट साल मार्केटर रहा है वो, 10-10, 15-15, 20-20 साल उन्होंने मार्केटिंग के करने के बाद जब वो इस प्लेटफॉर्म पे आए हैं तब उनको मालूम चला कि यहाँ पे तो जस्ट फॉर $97 यहाँ पे हम आके और इतना बड़ा कुछ कर लेंगे, और वहां पे हजारों हजारों डॉलर्स हम लोग हर एक महीने, हजारों हजारों डॉलर्स हम हर एक महीने लगाते थे, टूल्स खरीदते थे, ये कर, फिर उसके बाद मार्केटिंग करते, फिर भी उसके बाद हमें रिजल्ट नहीं मिलते थे इंटरनेट से, और यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म खड़ा किया जा रहा है ऐश की तरफ से, ये तो बहुत आसान है, तो वो लोग वो चीज को समझ रहे हैं, ओके। तो दैट मीन्स कि जिनका काम था वो लोग इस चीज को बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मान रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग हैं जिनका ये काम ही नहीं था, तो हम लोग को कहां से अभी समझ आ जाएगा, ओके। तो इस चीज को सोचिए कि हम लोगों को यहाँ पे बहुत कुछ समझना है, बहुत कुछ स्टडी करना है हमें, यहाँ पे इंटरनेट मार्केटिंग कैसे वर्क करती है, ओके, कैसे कन्वर्जन रेशियो होता है, इतना बड़ा क्यों हो रहा है, इतनी इतनी सारी चीजें आके अब रिसेंटली आप लोगों को क्यों बता रहे हैं, हर एक वेबिनार में इतनी नॉलेज क्यों दे रहे हैं, ओके। तो उसके पीछे कारण है, समझने का कारण है, ना कि आओ और वीडियो बना दो, ऐसा कुछ नहीं है,
मेरे पास बहुत लोगों के मैसेज आए कल सर आपने वीडियो नहीं अपलोड की, क्योंकि ये हमें जरूरत नहीं है, ये अपडेट हम वेबिनार में दे देंगे, हमें जरूरत नहीं, हम वेबिनार में देखो क्या हो रहा है। कल क्यों नहीं वहां पे 10,000 लोग थे वेबिनार में, मुझे ये समझ नहीं आती। अगर इंडिया में वेबिनार हो रहा है और ऐश भी आ रहे हैं वहां पे, क्यों वहां पे 2,000 लोग ही थे? ये तो आपकी गलती है, जो लोग हमारे यहाँ देखते नहीं है। जब आप रियल टाइम में वेबिनार्स देखोगे, ऐश को वहां बैठा देखोगे, तो देखो नो डाउट आपकी थोड़ी मजबूरी हो सकता है, मे बी काम पे हो, बट आई थिंक रात थी तो सब लोग अवेलेबल थे, बट स्टिल वहां पे नहीं, सिर्फ 2,000 लोग थे। वाई? तो ये आपको आना पड़ेगा, ये बहुत आपका बिजनेस है, इसको समझने के लिए वहां पे बैठना पड़ेगा, वहां बैठ के समझना पड़ेगा। ओके, तो प्लीज आया करिए वेबिनार्स में, खास करके जब ऐश आते सब काम छोड़ के बैठ जाओ वहां पे, इंग्लिश नहीं समझ आती आने लग जाएगी, टेंशन मत लो। ओके, अपने आप अंग्रेजी समझ आएगी अगर आप बैठे रहोगे ना, समझते सुनते रहोगे, एक महीने के बाद आप खुद अंग्रेजी बोलने लग जाओगे, ये मेरी गारंटी है। अंग्रेजी बहुत आसान है, आपको समझने में भी बहुत आसानी रहेगी, बट आपको जस्ट एक आदत डालनी है चीजों को वहां पे समझने की, सुनने की, आपको अपने आप अंग्रेजी, आप फटाफट अंग्रेजी बोलोगे, बट उसका कोई डिसएडवांटेज नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं भी आती है, और वहां पे अगर प्लेटफॉर्म है, ऐश आए हैं, तो वहां पे आइए बोलिए वहां पे। ओके, अगर जब भी आपको टाइम मिलता है तो वहां पे आइए बोलिए, अपना विचार रखिए। ओके, नहीं है तो वेलकम ही आप कर सकते हैं किसी ना किसी का कि ओके यस ऐश वेलकम, आपको पूरा अधिकार अगर जब भी आपको टाइम मिलता है वहां पे। एनीवेज, तो ये सारा कुछ बहुत अच्छा हो रहा है, जस्ट एक ओवरव्यू है। अगर ऐश बॉस्टन में बैठे हुए हैं, अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ मिलकर कोर्सेज बना रहे हैं, नाउ थिंक ऑफ दिस थिंग, ये कितनी बड़ी बात है। एक इंडिया में बैठा हुआ हमारा आपका बच्चा अगर इंडिया में बैठा हुआ ओकेडमी के थ्रू हार्वर्ड के यूनिवर्सिटी कोर्स कर रहा होगा, हाउ बिग इज दिस, कितना बड़ा है ये, आप सोचिए, जहां पे आपके बच्चे ने कभी सोचा ही नहीं होगा ये। वो एक छोटे से गांव में एक बच्चा बैठा हुआ है और आप फाउंडर हो या वो भी फाउंडर है और वो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में बैठ के कोर्स कर रहा है, हाउ बिग इज दिस, कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये। देखो, किसने सोचा था कभी? नहीं, ये ओनली ऐश ऑन पैसिव सोच रही है, तो इसलिए बहुत बड़ा है ये, इतना बड़ा कुछ है कि वही जब ऐश कहते हैं कि आपके मतलब कानों के पर्दे फट जाएंगे। ओके, तो जस्ट ये रहिए, यहाँ पे बने रहिए, बहुत कुछ हो रहा है। ये नहीं कि सर लॉन्च क्यों नहीं हो रहा है, लॉन्च ही हो रहा है भैया, ये लॉन्च ही हो रहा है, इतना बड़ा कुछ जब बन रहा है, ये लॉन्चिंग के उसी उधर ही हम लोग जा रहे हैं और डेफिनेटली हम लोग करते रहेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी इस महीने में बहुत कुछ होने वाला है, अप्रैल में बहुत कुछ होने वाला है, मई में बहुत कुछ होने वाला है, अगस्त में बहुत कुछ है, ये बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पे एक एक करके बहुत सारी चीजें ऐसी ऐसी होने वाली हैं, आपके सामने होती रहेंगी। तो या अपडेट्स तो आपने सब सुन लिया है, एंड बहुत कुछ पड़ा है यहाँ पे। मार्केटिंग को समझिए, हम लोग बहुत बड़ा एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है और हमारे पास टूल्स हैं, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, बस इतना ही समझ लीजिए। यहाँ पर तो एक एक प्रोडक्ट जो डोमेन नेम गो डैडी वाली कंपनी को लैश ने बताया, तो अगर वो कामयाब हो गई यार यहाँ पे इंटरनेट के ऊपर, और 10 साल में वो जस्ट 1.8 मिलियन, 18 लाख लोग इकट्ठे कर पाए, बिजनेसेस कर पाए हैं, तो यहाँ पे तो भैया आप देखो यार, हम लोग 1.2 मिलियन तो पहले ही है, अभी हम लॉन्च नहीं हुए हैं, लुक एट दिस। ओके, ऑन पैसिव का ग्राफ नीचे कभी भी नहीं गया पिछले 3-3.5 साल से, ऊपर 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 ही जाता जा रहा है ग्राफ। और जब ये ग्राफ मतलब कि अब ये लॉन्चिंग होना, तो आपको मालूम नहीं है किस लेवल के ऊपर, जैसे रॉकेट जाता है ना बिल्कुल ऊपर, एक तरफ मतलब कि जो बन के रेडी हो गया रॉकेट, और बस इसको क्लिक करना और छोड़ देना है, और बिल्कुल एक झटके से आसमान में निकल जाता है रॉकेट, और आपको मतलब दूर चला जाता है हजारों मील, तो ये वो ऑन पैसे का वो स्विच दबने वाला है बहुत जल्दी। और यहाँ पे एक इंटरनेट की दुनिया पे एक नई टेक्नोलॉजी, नया बिजनेस, घर घर में बिजनेस जो होगा, क्योंकि ये जो फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, ये जो आप ये इंटरनेट देख रहे हो ना, आज 2022 है, ये अगर जस्ट 10-12 साल पुरानी बातें हैं ये सारी, अगर इंटरनेट में इतना बड़ा वो रेवोल्यूशन आया है। आप जस्ट पीछे 2010 में चले जाइए, 12 साल पीछे चले जाइए, ओके, इवन व्हाट्सएप भी आपके पास नहीं थी, जस्ट 10 साल पीछे चले जाइए, 12 साल कोई व्हाट्सएप। तो अगर ये छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो आए हुए थे, इन्होंने रेवोल्यूशन पैदा कर दी फालतू में, क्यों? क्योंकि नए थे, नई चीज थी। ओके, और अब अगर 10-12 साल में ये इतनी इतनी बड़ी कंपनियां ग्रो होकर इतनी इतनी बड़ी बन गई है, तो यहाँ पे देखो, एक कंपनी ऑन पैसिव आ रही है जिसके पास ऑलरेडी कस्टमर हैं,
जब ये लोग लॉन्च हुए थे ये जितने भी कंपनीज हैं इंटरनेट की, तो इनके पास तो कोई भी कस्टमर नहीं था। यहाँ पे 12 लाख तो हम पहली बार बने हुए हैं, यहाँ पे कस्टमर इतने पड़े हुए हैं। यहाँ पे पेपॉल की जैसे कल के एग्जांपल दी ऐश ने, कोई भी कस्टमर नहीं था। उन्होंने एक छोटी सी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपनाई तो 100 मिलियन मतलब कि वो कस्टमर उन्होंने पैदा कर दिए एक साल में 100 मिलियन। तो अभी एक यूट्यूबर बता रहे थे कि 100 मिलियन जगह 1 लाख ही बता रहे थे बेसिकली। ओके, सो थोड़ा उसको भी क्रेडिट कीजिए जो भी है। तो कहने का मतलब ये है कि जो चीज नई होती है उसमें कस्टमर अपने आप आता है, हमें करने की जरूरत नहीं है। तो ऑन पैसिव नई है, और तब नई है जब इसके पास इतने प्रोडक्ट्स हैं। ओके, इतने प्रोडक्ट्स हैं कि अगर एक छोटा दुकानदार अब ट्रैक करना चाहेगा अपने बिजनेस को, अपने अपने ग्राहकों को, अपने लोगों को, उसके पास वो ट्रैकर, उसके पास उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। उसको मतलब वही मिल रहा है उसको, वन लॉगिन के ऊपर। तो कस्टमर इतने आने वाले हैं। और जैसे 3 वाला एक जो है वो 3 ऑलरेडी आपके होने हैं, पहले 1 सेकंड में ही होने वाले हैं। आप देखते रहना, अगर आप अकेले भी हो, जैसे उस दिन भी मैंने वीडियो बनाई थी। ओके, तो ये नहीं कि आपके पास है, नहीं है, अकेले हैं तो पता नहीं क्या होगा। नहीं, यहाँ पे टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है आपके ऊपर। वो 3 कस्टमर अगर आपके पास नहीं है तो कंपनी ला रही है, और यहाँ पे तो पता नहीं कितने लाख लोगों के पास 3 कस्टमर ऑलरेडी है। ओके, 1.2 मिलियन के अगर मैं बात करूं ना, तो मुझे लग रहा है कि 1 मिलियन के पास तो ऑलरेडी है, 1 मिलियन से भी ज्यादा लोगों के पास ऑलरेडी 3 कस्टमर ऑलरेडी हैं वो वाले। तो इसलिए आपको टेंशन लेने वाली जरूरत नहीं है। उसके बाद कंपनी खड़ी हुई है, मार्केटिंग कैंपेन खड़े हुए हैं, ओके, इन्फ्लुएंसर्स खड़े हुए हैं, ये मतलब कि इतनी मार्केटिंग बड़ा होने वाला है, इतना कुछ होना। तो ये बहुत ही एक ब्लास्ट होने वाला है इंटरनेट के ऊपर बेसिकली। सो कोई घबराने वाली जरूरत नहीं है कि ओ सर क्या होना है। तो वंस योर 3 कस्टमर्स आर देयर, जो कि पहले ही हैं ऑलरेडी, जिनके पास नहीं है वो भी 1 सेकंड में होने वाले हैं, जैसे ही ऑन पैसिव लॉन्च होने वाली है, तो आपको कोई घबराने वाली जरूरत नहीं, और आपका काम धनाधन शुरू हो जाएगा उसी टाइम। ओके, तो बहुत एक बड़ी चीज है ये, जस्ट पेशेंस बना के रखनी होती है हमेशा जिंदगी में। ओके, जब कुछ बड़ा बनता है तो ऐसे ही बनता है। ओके, अगर बड़ा बना है तो अकेले नहीं बनाया, हम सब लोगों ने मिलकर बनाया है बेसिकली। हम सब लोगों की जो पेशेंस है उसी ने बनाया है। उस पेशेंस में नो डाउट बहुत सारे चैलेंजेस, बहुत आपको भी, आप मुझे मालूम है सबको पैसे की जरूरत है, ऐश को भी है, दुनिया के बाकी लोगों के को भी है। तो वो उस कमी को दूर करने के लिए तो ऑन पैसिव आ रही है, ठीक है ना। तो अगर वो इतनी बड़ी बनेगी, उसमें चाहे देर लग रही है, 3.5 साल हो गए हैं, बट वो 3.5 साल के बाद आज हम उस वहां पे हैं कि हम ये सारी बातें कर रहे हैं, आईपी एड्रेसेस की बातें कर रहे हैं क्योंकि बन गई हैं, ओ ट्रैकर की बातें कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो ऑफिस की कर रहे हैं, लॉन्चिंग की कर रहे हैं, ऐश वहां आने की बात कर रहे हैं, बड़े बड़े फंक्शंस की बात कर रहे हैं। तो इसीलिए है ना कि वो पेशेंस रखी, वो बन रही थी, वो चीजें अब बन के रेडी हो गई हैं। तो अब उसका उन चीजों का टाइम आ गया है ऐश को बताने के लिए। ऐश खुद भी हफ्ते में आई थिंक 3-4 बार वेबिनार्स में आते हैं। ओके, वहां पे इतनी नॉलेज देते हैं उनको आप रिकॉर्डेड वेबिनार्स को देख सकते हो, समझ सकते हो कि क्या हो रहा है बैकएंड के ऊपर। तो इंडिया में बेसिकली थोड़ा सा एक फर्क ये है कि एक तो चलो बाय डिफॉल्ट वहां पे रात होती है, ऐश मोस्टली यहां पे दिन में आते हैं, सारे वेबिनार्स होते हैं, तो वो एक इसलिए बहुत सारे लोग उस इन्फॉर्मेशन को लेने के लिए वो वंचित रह जाते हैं, और उसके बाद बहुत सारे लोग देखते ही नहीं है। ओके, और फिर देखते हैं तो वो यूट्यूब में अगर जो भी उन्होंने अपडेट दे दिया तो वो देख लेते हैं, जो कि वो उतना असर नहीं डाल पाती बेसिकली, जो चीज लाइव सामने। अब जिन 2000 लोगों ने ऐश का कल का वेबिनार देखा है वो कुछ और लेवल है। ओके, जो अपडेट हम लोग बाद में आई हैं वो अलग लेवल होता है, वो तो जस्ट ठीक है उन्होंने बोलते। तो इसलिए रिकॉर्डेड भी देख लिया कीजिए, कभी भी आपने देखना तो उस चीज को प्लीज आप देख लिया करो रिकॉर्डेड को, टाइम निकाल के नॉलेज ले लीजिए। अभी हम जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, ऑन पैसिव स्टार्ट हो रही है। मैंने आज आई थिंक आज से 2-2.5 साल पहले बोला था कि यहाँ पे जब ऑन पैसिव बन जाएगी जो वैल्यू है, जैसे मैं और नीरज कल भी बात कर रहे थे कि अगर आज ऐश बोल रहे हैं कि यस वहाँ पे सिलेक्टेड हम कुछ लोगों को लेके जाएंगे जहाँ पे बड़े बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस उस स्टेज पे होंगे, तो देखिए अगर वहां पे जो सिलेक्टेड फाउंडर्स वहां पे जाएंगे, जो भी होंगे 100, 200, 400, 500, आई डोंट नो 1000, 2000 जो भी होंगे उस इवेंट में,
तो कितनी बड़ी वैल्यू होगी कि उस स्टेज पे में आप उनके साथ हो, राइट। तो वो इसीलिए कि वो चीज की वैल्यू क्रिएट कर दी गई है कि लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ रहा है उनको। ये मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजी भी है ऐश की, ओके, कि जब लोगों को आना है, बड़े बड़े लोग आएंगे यहाँ पे, वो मार्केटिंग भी है। तो लोगों, जब मार्केटिंग होगी वहां पे चीजें होंगी तो लोग अट्रैक्ट भी होते हैं वो चीज देख के, ठीक है ना। तो ऐश को सब मालूम है कि मार्केटिंग कैसे करनी है वहां पे। तो आपकी वैल्यू देखिए कि ऑन पैसिव ने कितनी वैल्यू बना दी कि मे बी कल को वहां पे बहुत बड़ा सेलिब्रिटी खड़ा हो और उसके साथ आप स्टेज शेयर कर रहे हो, जो कि कभी आप ड्रीम में भी नहीं सोच सकते थे। या बहुत बड़े पॉलिटिशियन खड़े हैं, बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिशियल खड़े हैं, उनके साथ आप हैंडशेक कर रहे हो वहां पे। तो ये वैल्यू जो हम बात कर रहे हैं बार बार, ऑन पैसिव बात करती है, किसी भी कंपनी ने ये वैल्यू नहीं बनाई, वो चाहे बड़ी से बड़ी कंपनी भी हो, बड़े से बड़े धुरंधर हो, ओके, उन्होंने अपने एम्प्लॉयज की कभी वैल्यू नहीं, वो 2000 होते हैं बस, वो ठीक है, ओके, वही वही आगे चलते रहते हैं। बट यहाँ पे हम सब लोगों की वैल्यू बनने वाली है, ऑलरेडी बन चुकी है। सो ओनली पेशेंस, यहाँ पे कोई वो नहीं है कि लॉन्च कब होगा, लॉन्च कब, ये लॉन्च होनी ही है, आपके और मेरे कहने से कुछ नहीं होना, ओके। सिस्टम है, सिस्टम वर्क कर रहा है, सिस्टम को कैसे लॉन्च करना है, जैसे मार्केटिंग कैंपेन्स का डेमो भी ऐसे ऑलरेडी कर चुके हैं और वो इतना जबरदस्त था डेमो, आप सोच नहीं पाओगे, ओके। ऐश ने कल थोड़ा सा पार्ट भी उसका टच किया, तो ऐश ने बोला कि जस्ट वेट फॉर द फायरवर्क्स, ओके, अभी आतिशबाजी के लिए जस्ट वेट कीजिए। जब ऐश ने वो स्विच को ऑन कर दिया तो उसके बाद ये बहुत कुछ और बड़ा होगा। इसमें कोई ये नहीं कि इसमें कोई गिमिक है, कोई चमत्कार शायद ऑन पैसिव कर रही है या ऐसे ही बात कर रही है, मतलब कि हवा में, ऐसा कुछ भी नहीं है, ओके, नथिंग लाइक दैट। ओनली प्रैक्टिकल चीज है, ऑथेंटिक चीज है, ऑथेंटिसिटी के साथ ऑन पैसिव लॉन्च हो रही है, ऑथेंटिसिटी के साथ ऑन पैसिव गवर्नमेंट्स जो होती हैं उनके साथ काम कर रही है, ओके, डेली बेसिस पे काम कर रही है, डेली के डेली उनको सारी रिपोर्ट जाती है ऑन पैसिव में क्या हो रहा है, क्या बोला जा रहा है, लोग क्या कह रहे हैं, ओके, कौन नेगेटिव बोल रहा है, कौन पॉजिटिव बोल रहा है, एवरीथिंग, एक एक चीज। तो ये कौन सी कंपनी करती है, जो एथिकली काम करना चाहती है, ये वही कंपनी करेगी, और को कोई मतलब नहीं होता, और को आज आज इंडिया के वर्ल्ड में देख लो कौन है, मतलब कि अगर मार्केट में अगर आप बोले, चलो इंडिया की बात ही ले लेते हैं, बहुत आए बहुत भाग गए 3-3.5 सालों में, हमें भी मालूम है, आपको भी मालूम है, ओके। बहुत मुश्किल है ऑटोमेशन में काम करना, ओके, बहुत मुश्किल है। ऑन पैसिव एक वो चीज बनाने जा रही है ऑटोमेशन में, जहां पे आप सब लोग, हम सब लोग जितने भी हैं उस ऑटोमेशन के प्रोसेस में जब आ गए तो डन, ओके, तो इसीलिए ऑन पैसिव बने। तो अगर आप हमारे पास इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस हो चुका ऑलरेडी 1.2 मिलियन का, कि ये तो बस मैटर ऑफ डेज है कि कंपनियां हमारी तरफ देख रही हैं, बेसिकली बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़ी बड़ी कंपनियां, वो चाहे इंडिया की हैं चाहे बाहर की हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां को मालूम है ऑन पैसिव के पास इतना बड़ा एक बेस है ऑन पे, वो जस्ट ऐश के एक इशारे का इंतजार कर रही हैं, और जैसे ही वो इशारा होगा ऐश की तरफ से, और उसी टाइम वो बड़ी बड़ी कंपनियां हमारे प्रोडक्ट्स को यूज करने लग जाएंगी। अब आप सोचो ये बात को, इंडिया की आपको मैं दिखाऊंगा, इंडिया के बड़े बड़े धुरंधर जो हैं, जिनको शायद आप सोचते कि इंडिया के बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, वो बहुत बहुत लोग हमारे प्रोडक्ट्स यूज कर रहे होंगे, हम तो बहुत छोटे लोग हैं बेसिकली। सो इसीलिए वो एक चीज को बनाना होता है ना, अगर कोई बहुत बड़ा कॉर्पोरेट, उसका भी तो मिलियंस बिलियंस का बिजनेस है, तो उस मिलियंस ऑफ बिलियंस के बिजनेस को क्या कोई हल्की चीज वो एक्सेप्ट करेंगे, उनका भी तो दिमाग है ना, उनके भी एक्सपर्ट्स हैं, उनके भी आईटी सेक्टर के लोग हैं, तो वो क्या घटिया प्रोडक्ट को मतलब कि यूज करेंगे, नेवर। वो किसको यूज करेंगे, जो एक अच्छा प्रोडक्ट है, विच इज बैक्ड बाय समथिंग डिफरेंट, विच इज बैक्ड बाय ऑथेंटिसिटी, जो बैक्ड बाय ए लीगल प्रोसेस, ओके, तो उस चीज को वो पकड़ेंगे, क्योंकि वो बड़े बिजनेसेस हैं, उनके भी लॉयर्स हैं, ओके, उनके भी बहुत बहुत कनेक्शंस होते हैं, तो इसीलिए वो लोग जब ऑन पैसिव को पकड़ रहे हैं, तो अब उसके आगे तो हम सब लोग तो बहुत छोटे हैं, बट हम छोटे नहीं हैं, हम उनके बराबर आ गए हैं। ये देखिए, ये वैल्यू हमारी क्रिएट हुई है, ओके, हम उन सब लोगों के बराबर आ चुके हैं, ओके, तो इसलिए हम लोग फाउंडर हैं। तो इसलिए अगर कल को बहुत बड़ा इवेंट इंडिया में होता, एक नहीं होगा, मैं आपको बता देता हूँ, आने वाले टाइम में बहुत सारे इवेंट इंडिया में बड़े बड़े होंगे, ओके,
तो उस बड़े बड़े इवेंट्स में अगर आप भी आएंगे डेफिनेटली आप फाउंडर हो, ओके, हम सब लोग वहाँ पे मिलेंगे जुलेंगे, ओके, तो वहाँ पे एक दूसरे से बात करेंगे, बड़े लोगों से मिलेंगे। तो बेसिकली बड़े लोग कौन होते हैं? कोई भी नहीं होता, यू आर, आप भी बड़े हो, सीधी सी बात है। मैं, मेरा तो जिंदगी में ये रह गया, मुझे ये नहीं कि ये पॉलिटिशियन खड़ा है, ये अगर हमारी स्टेज में कोई बड़ा, ठीक है वो अपनी फील्ड में बड़ा हो सकता है, हम अपनी फील्ड में बड़े हैं। क्यों बड़े हैं? बिकॉज 3.5 साल से हमने अपनी कंपनी बनाई है, ओके, इसमें आपको नहीं करना कि ओ ये सेलिब्रिटी है, ये हमारे, नो नो, आप भी उसी के लेवल के हो। अगर कल वो शेयर कर रहे थे, एक बेचारा वो जो बोतलें इकट्ठी करता है लड़का, उसको उन्होंने फाउंडर बनाया, अंसारी थे, उन्होंने उनको लेके आए, उनकी स्टोरी मैं सुन रहा था, तो वो कल अगर वो लड़का किसी सेलिब्रिटी, फॉर एग्जांपल शाहरुख खान को हम लोग बुला लेते हैं, तो अगर वो, मैं उसको पढ़ के लेके आऊंगा, शाहरुख खान के बराबर खड़ा करूंगा, मैं साइड में खड़ा हूँ, क्योंकि वो वैल्यू है उस बंदे की, ओके, कि एक ऑन पर्सन वैल्यू क्रिएट कर गई, एक लड़का बेचारा जो कि बोतलें इकट्ठी करता था, आज ऑन पैसिन उसकी इतनी वैल्यू बना दी है, इज ए फाउंडर। शाहरुख खान फाउंडर नहीं है, ये फाउंडर है कि ये स्टेज के साथ उसके खड़ा हो सकता है। उसको नहीं अच्छा लगता वो चला जाए, जो सेलिब्रिटी होगा कोई भी, नाम नहीं लूंगा, अगर उसको ऐसा लगता कि ये ऐसा छोटे लोग खड़े हैं, तो उसको उस स्टेज से जाना पड़ेगा, अगर वो कहीं भी किसी भी लेवल के ऊपर आप आके ऐसी एरोगेंसी दिखाता है, ओके, तो वो वैल्यू है हमारा, हमारे सब लोगों की क्रिएट है, हम भी उसी लेवल पे हैं, कंपनी भी उसी लेवल पे है, और जो बाकी के लोग भी होंगे वो भी उसी लेवल पे होंगे, क्योंकि वो, ठीक है उन्होंने कुछ किया इतने सालों से, वो सेलिब्रिटी या वो पॉलिटिशियन बन गए, या उन्होंने अच्छा कुछ किया, तो ठीक है हम भी हमने भी कुछ किया, हम भी उस लेवल पे आ गए। तो ऐसा इंडिया हम लोग बनाने वाले हैं, जहाँ पे सारे के सारे बराबर, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं, वैल्यू है, वैल्यू आपकी भी वो है, मेरी भी वही वैल्यू है, ओके, यहाँ पे कोई लीडर नहीं, सब हम लोग बराबर हैं, ओके, जस्ट एक हम लोग इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, वो लीजिए, अगर हमारे पास है हम अपने फाउंडर्स को देंगे, अगर आपके पास है आप अपने टीम्स को दीजिए, तो एवरीबॉडी इज ऑन द सेम पेज, सेम ही जगह पे, वैल्यू है आपकी भी उतनी वैल्यू, मेरी भी उतनी वैल्यू, सबकी उतनी वैल्यू, ओके, लीडर्स की भी। सो स्टे ट्यून्ड नीरज, स्टे ट्यून्ड इंडिया, स्टे ट्यून्ड एवरीबॉडी, थैंक यू ऑल द पैनलिस्ट, जितने भी हमारे पैनल के में है, सब फाउंडर्स हैं हम, ओके, तो देखते रहिए ऑन पैसिव की, नॉलेज लेते रहिए, यूट्यूब वाले खास करके हमारे भाई वो अच्छा काम करें, नो डाउट, बट और अच्छा कीजिए, ओके, समझ के कीजिए, थोड़ा स्टडी कर लीजिए, कीजिए चीज को, उसके बाद आप अपनी वीडियो बनाइए, इमीडिएटली उसको बनाने की चाहे जरूरत नहीं भी होती, ओके, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हम मार्केट में, प्लीज ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन ही दें, और प्लीज ये फोटोज यूज करना बंद कर दीजिए एक दूसरे की, आप अपनी फोटो लगाइए, मैं तो ये कहता हूं, क्योंकि आप पॉपुलर होइए, आप अगर पॉपुलर होंगे तो आपको बहुत फायदा होने वाला, मैं ये बता देता हूं, अगर आप यूट्यूब में अपनी फोटो लगाओ वहां पे और फिर इन्फॉर्मेशन दो, आप देखना कितने पॉपुलर होने वाले हो आने वाले दिनों में, ये जस्ट स्टार्टिंग है, मैं बार बार कहता हूँ, ऑन पैसिव इज जस्ट गेटिंग स्टार्टेड, ओके, सो इस स्टार्टिंग में जो लोग चल पड़े ना साथ में अच्छे तरीके से, वो बहुत बहुत दूर तक जाएंगे, और जो थोड़े नेगेटिव हो गए हैं और ये हो रहे हैं, उनका तो भगवान मालिक है। नेगेटिविटी, एक मेरी बात थोड़ी ना ध्यान से सुन लीजिए, जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, नथिंग एल्स, एक भी चीज इस संसार में नेगेटिव नहीं है। नेगेटिव क्या है? ओनली आपका ब्रेन, सिंपल, जस्ट योर ब्रेन इज नेगेटिव, अदरवाइज कुछ भी चीज इस संसार में आपके आपकी निगाह जहां तक जाती है, एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉजिटिव, ओनली योर ब्रेन इज नेगेटिव, दैट्स इट। उससे अगर आपका ब्रेन नेगेटिव, उससे मुझे भी कुछ लेना देना नहीं है, उससे इस संसार को कुछ लेना देना नहीं है अगर आपका ब्रेन नेगेटिव है। सो ऑलवेज थिंक ऑफ पॉजिटिव, पॉजिटिवनेस के बारे में सोचिए, एवरी टाइम, एक एक सेकंड, एक एक पल, जब आपका दिमाग पॉजिटिव होगा तो आप चीजों को पॉजिटिव देखेंगे, आप एक एक चीज को उसी लेवल पे जाके पॉजिटिव सीखने की कोशिश करेंगे, और आप एक बहुत बेटर ह्यूमन बीइंग बन के ऊपर आओगे, ओके, तो इसलिए जिंदगी में कुछ नथिंग इज, अगर आप बहुत बार कई बार कुछ हो तो बच्चे ही कहते हैं या कुछ, अरे आई एम बोर्ड, मैं बोर हो गया हूँ, ये वो, बोर भैया, That is your brain board. Your brain is negative. उसी बात को अगर बोल गए, okay, मैं ऐसा कोई बात नहीं, ये मैं अपना बाहर जाता हूँ, घूम फिर के आता हूँ, एंड ओके, मेरा मैं ठीक हो जाऊंगा, ये मैं जिम जाता हूँ, ये मैं ग्राउंड पे जाता हूँ, थोड़ा दो चक्कर लगाता हूँ, ओके, एवरीथिंग गुड, मेरी बॉडी भी अच्छी बनेगी, और वो, सो योर ब्रेन इज ऑलवेज नेगेटिव,
संसार में कुछ भी नेगेटिव नहीं है, नथिंग, नॉट इवन ए सिंगल चीज नेगेटिव है संसार में, ओनली ह्यूमन माइंड इज नेगेटिव। क्या कभी किसी जानवर या किसी हो गए उसके पास नहीं भी कुछ खाने को, वो खा लेता है, वो भी जी रहा है ना, ओके, क्योंकि वो पॉजिटिव है, उसको मालूम है मैंने वो चिड़िया उड़ के जा रही है, उसको उसने खाना खाना ही है, सिंपल, वो नेगेटिव नहीं है, ओके, इट ओनली द ह्यूमन माइंड विच इज नेगेटिव ऑलवेज। सो इसलिए अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए हमेशा, ओके, कुछ भी नेगेटिव अगर आपके ऊपर हावी होने की कोशिश करता है उसको दूर भगाइए, उसी टाइम आप पॉजिटिव वे में सोच के कुछ और करने लग दीजिए, ओके। ऑन पैसिव नहीं लॉन्च होगी तो नहीं लॉन्च हो रही, इसमें नेगेटिव वाली बात थोड़ी ना, इसमें ये पॉजिटिव बात है, ऑन पैसिव अगर आज तक लॉन्च नहीं हुई है तो दैट मींस इसके बैक एंड के ऊपर कुछ ऐसा अच्छा बन रहा है हमारे सबके लिए, जो कि आने वाली लाइफ हमारी सेट करने वाली है। तो उसमें अगर साढ़े तीन साल में ऑन पैसिव नहीं लॉन्च हुई या बना रही थी, तो क्या हम आज की डेट में मतलब नेगेटिव हो जाए? नहीं, हमें तो फ्यूचर देखना है ना, हमें तो जस्ट वी आर लुकिंग एट द फ्यूचर। वो फ्यूचर क्या है हमारा? अगर आज ऑन पैसिव, आज अगर 4 मार्च में हम ऑन पैसिव चलो बाहर निकाल देते हैं, अच्छा ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा यार, ओके ओके यार, ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं और रिजल्ट कुछ नहीं है, तो इससे अलग तो क्या है भैया, क्या है आगे? अगर कोई नेगेटिव सोचता है या ऐसा बोलता है तो सोल्यूशन है क्या उसके पास? Does he that person, उनके पास कोई सोल्यूशन है क्या जिंदगी का कि जिसको कहे कि या, हाँ ये पॉजिटिव है, आप यहाँ पे आइए? नहीं है, ओके? तो वो ये ओनली उनका माइंड है कि जो बोलते हैं कि ओके ओके ऐसे ऐसे है। तो पॉजिटिवनेस में जीना सीखिए जिंदगी को, तो आपको एवरीथिंग पॉजिटिव लगेगी, आप फ्रस्ट्रेटेड नहीं होगे, ओके? तो फ्रस्ट्रेशन को बाहर निकाल के फेंक दीजिए, ओके? बहुत बड़ा बड़ा जीवन है आपका, सबका, हमका है, हमें उस जीवन को पॉजिटिवनेस से लेके चलना है। लाइफ पड़ी हुई है सब लोगों की, उसको अच्छी डायरेक्शन में लेके चलना है। तो वो ऑन पैसिव आपके लिए है, जिस दिन लॉन्च होगी ऑन पैसिव आपको जिंदगी में पीछे मुड़कर कभी देखने की जरूरत ही नहीं है। हम सब ने बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम सब पेशेंस से बैठे हुए हैं और हम सीख रहे हैं, एजुकेशन ले रहे हैं और हम लेते रहेंगे। वेबिनार्स जरूर अटेंड किया कीजिए, सारे के सारे नॉलेज लीजिए। अगर हम 6 लाख लोग हैं तो 6 के 6 लाख लोग अगर पूरे पॉजिटिवनेस से पूरी नॉलेज लेके समाज को चेंज कर सकते हैं तो देखो कितना बड़ा कुछ होने वाला है, ओके? तो उस लेवल पे जाके थिंक किया पॉजिटिवनेस, नथिंग इज नेगेटिव। आज से अभी से अगर कोई सोचे निकाल दो परे, ठीक है ऑन पैसिव नहीं लॉन्च हो रही तो क्या आप नेगेटिव हो जाओगे? नो, ओके? आपको नेगेटिव नहीं होना, क्योंकि ऑन पैसिव तो लॉन्च होना ही है, वो बन रही है, कर रही है। तो आपके अगर नेगेटिव होने से ऑन पैसिव को कोई फर्क नहीं पड़ता तो आप क्यों नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है ना? तो इसीलिए वो दिमाग, ओनली योर ह्यूमन ब्रेन इज नेगेटिव, ना मेरा, ना नीरज का, कौशिक का, हमारे जितने पैनलिस्ट में बैठे उनका, ऐश का, जो लोग बना नहीं है, तो वो तो बना रहे हैं ना, वो तो बनाते जाएंगे, ओके? लुक एट दिस गर्ल हरप्रीत, वहां बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ उनको, ओके? शी इज पॉजिटिव, नीरज पॉजिटिव। तो वहां पे अगर आप बैठते हैं, यहाँ पे ममता है, योगिनी है, देवीलाल जी हैं, मांगेराम जी हैं, जस्सी हैं, सारे लोग, सबको पैसा चाहिए, ये सब जितने भी बैठ, मैं, मुझे भी चाहिए पैसा भाई, ओके? नीरज को भी चाहिए, ओके? हम सबको पैसा चाहिए, वो अलग बात है ये वाली कि हमें पैसा चाहिए, बट मतलब कि हम पैसा चाहिए तो क्या हम नेगेटिव हो जाएं क्या? नो, हम पॉजिटिव ही रहेंगे, क्योंकि हम ऑन पैसिव में पॉजिटिव रह के ऑन पैसिव को लॉन्च कराएंगे, क्योंकि हमें मालूम है कि इतना बड़ा सिस्टम बार बार नहीं बनता, इतना बड़ा कुछ नहीं होता, इसमें देर होगी कोई बात नहीं, अगर और 10 दिन, 15 दिन, 60 दिन, 90 दिन, 6 महीने कोई बात नहीं, 1 साल कोई बात नहीं, बट उसके बाद तो हमारी लाइफ बिल्कुल सेट होने वाली है, हमारे पास इतना पैसा होने वाली कि हम सारी सात हमारे क्या बोलते हैं सात पुश्ते हम अपनी मतलब की कामयाब कर देंगे। सो एनीवेज, तो ये थोड़ा है कि प्लीज पॉजिटिव रहा कीजिए जिंदगी में, नथिंग, कुछ यार कुछ नेगेटिव नहीं है इस लाइफ में, जस्ट बी पॉजिटिव एवरी टाइम। अगर कुछ आप को प्रॉब्लम भी है जिंदगी में, उसको भी पॉजिटिवनेस से लेने की कोशिश करो, सिंपल सी बात है, आती हैं प्रॉब्लम्स, बहुत आती हैं, बट उसको रखिए वहां पे, वो ही लीडर है, वो ही कामयाब आदमी है। बहुत सारे, आपको मालूम नहीं कि बहुत सारे लोगों ने धक्के खा के, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज आप देखते हैं ना, बहुत वो 50-50 60-60 साल के बाद बहुत सारी कंपनीज लोगों ने बनाई हैं, और आज
लाखों करोड़ों लोगों को वो लोग एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, यानी दैट मीन्स को 60 साल तो अपनी जिंदगी में बेचारे वो भी तो परेशान रहे होंगे ना, बट उन्हें हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने उन्होंने आके कुछ ऐसा खड़ा कर दिया, बात खत्म, बन गई बात। ओके, तो ऐसे ऐसे लाइफ को सोचना चाहिए हमेशा, डे टू डे हम पॉजिटिव चीजों को थिंक करें, सोचें, करें, और वो आप बिल्कुल कामयाब हो जाएगा उस तरीके से। सो थैंक यू वेरी मच, बहुत आई थिंक लंबा होगा सारा सेशन, तो फिर मिलेंगे बिल्कुल। सो थैंक यू नीरज, थैंक यू कौशिक, या बैक टू हरप्रीत। थैंक यू डिलो सर, वाकई आपने बहुत सही बोला है कि हर एक का टाइम लिमिट होता है, हर एक के टाइम के हिसाब से ही काम होता है। बिल्कुल सही बात है, पैशंस हमें रखना ही है। और वैसे भी हम लोग देख रहे हैं कि जैसे कि ऐश सर कल आए थे, इतने एक्साइटेड था, उनका फेस बता रहा था कि वो कितने एक्साइटेड है। तो जितनी जल्दी हमें है, मुझे लगता है हमसे ज्यादा जल्दी उन्हें है लॉन्च के लिए। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि वाकई वो जो विजन लेके निकले हैं, तो बिल्कुल वो आगे बढ़ने के लिए निकले, ना कि पीछे रुकने के लिए। उनका मकसद है कि एक बार हमने ट्रेन स्टार्ट कर दी है तो मंजिल तक ही हमें पहुंचना है। बिजनेस की अगर मैं बात करूं तो मैं खुद एक बिजनेस वुमेन हूं, तो मुझे पता है कि बिजनेस को कैसे आगे चलाया जाता है। सिर्फ ये नहीं कि आज मैंने बोल दिया है और मेरा कल से बिजनेस रन होने लग जाएगा। हर एक का टाइम होता है, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने पड़ते हैं, लीगैलिटी होती है, हर चीज में टाइम लगता ही लगता है। तो वैसे ही मैं अपने फाउंडर से यही मैसेज देना चाहूंगी कि आप अभी तक इतना यहाँ पे पैशंस बनाए रखे, तो आप सोचो कि आगे हम बहुत ज्यादा दूर नहीं है मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। तो बस थोड़ा सा पैशंस जरूरी है। अगर मैं बात करूं तो मतलब आज हमारा जो बिजनेस इतना बड़ा होने जा रहा है, मैंने तो यहाँ देखा है, खुद ने महसूस किया, क्योंकि इंदौर बहुत बड़ी सिटी है और इंदौर बिजनेस के मामले में नंबर वन है। अच्छी अच्छी जगह वहां पे ताले लग चुके हैं। तो आप सोचो कि कुछ मतलब हम लीगैलिटी से अगर आगे बढ़ रहे हैं तो हमारा ही फायदा है। भले हम थोड़ी सी देरी महसूस कर सकेंगे, बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन हम ये चाहेंगे कि हमारा बिजनेस डे बाय डे ग्रो अप होए। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। एंड एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली बिल्कुल। एंड डॉक्टर केडी है यहाँ पे, हैं मुकुंद है यहाँ पे, एंड देखो इन लोगों ने कितना काम किया, कितना इन्होंने पेशेंस रखा है, कितना इन्होंने अपनी टीम्स को पिछले 2-2.5 साल से वेबिनार कर रहे हैं ये लोग, राइट। तो बेसिकली वो यही बात होती है कि एक पैशन है, एक जुनून है, इनको भी पैसों की जरूरत है, सबको जरूरत है, बट उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज को हम नेगेटिव सोच के या उसको उस लेवल पे मंद कर दें, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये राजेंद्र भटकर हैं, जितने टीम मतलब इतने सारे हमारे पास अच्छे फाउंडर्स, इतने सारे सारा कुछ है, सबको पैसे की जरूरत है, एक एक आदमी को पैसे की जरूरत है, क्योंकि ये सिस्टम्स ने हमारे मतलब क्या कहूं, पल्ले नहीं छोड़ा कुछ है, ऐसा कुछ सिस्टम्स थे या जो भी था, ठीक है ना। तो इसलिए हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, मतलब जितने भी हम आप लोग लीडर्स हो, जितने भी आप कर रहे हो उस लेवल पे जाके काम, तो ये एक मतलब वेबिनार्स हो रहे हैं इतने, मैं बहुत बार बोला, कई बार मैं सोचता हूँ कि केडी के साथ तुम लोगों ने इतना काम किया, इतना 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 अच्छा आपने, पता नहीं क्या क्या आप लोग डेली 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 को चीज को करना है, बहुत इसमें पेशेंस की जरूरत होती है बेसिकली, तो किया बट इन लोगों ने। ओके, तो अगर आने वाले टाइम में ये और कामयाब हो जाएंगे तो उसका रिजल्ट तो यही है ना कि ये लोग इतने पेशेंस तरीके से वहां पे थे, वहां पे रह रहे थे, ये कौशिक हैं, रोज बेचारे वहां पे वेबिनार्स को ऑन करते हैं, ओके वहां बैठे रहते हैं, टाइम देते हैं, ये कंसिस्टेंसी जो होती है ना लाइफ में, ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो ये कंसिस्टेंसी है जो ये लीडर्स ऐश ऑन पैसिव ये सब मिलके ऐसा कुछ करे, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और ये भी बात है, ये पहली बार ऐसा कुछ हो रहा है हम सबकी लाइफ में। ओके, बिना पैसे के बताओ कभी किसी ने काम किया था कभी, तो ये यहाँ पे पहली बार हम लोगों मतलब कि बिना पैसे के यहाँ पे सारा कुछ हो रहा है, लोग वेट कर रहे हैं, किसी की पेशेंस कम हो रही है, किसी की नहीं रह रही, कोई कह रहा है ये है वो, बट स्टिल वी आर वेटिंग, मतलब ये पहली बार हो रहा है बेसिकली ना, तो ये बात है सारी जी। यहाँ हमारे बीच बहुत सारे लीडर्स मौजूद हैं,
केडी सर भी हैं, डॉक्टर भटकर भी हैं, मुकुंद सर भी हैं, तो केडी सर क्या आप कुछ अपडेट्स के बारे में कहना चाहोगे? हरप्रीत एक करेक्शन करूंगा आपका, एक सेकंड केडी सर, आपने कहा डॉक्टर भटकर है, एक्चुअली डॉक्टर केडी शुक्ला जी है और राजेंद्र भटकर जी है, वो डॉक्टर नहीं है। चलो एक्चुअली सर मेरे इसमें ना डॉक्टर भटकर आया था, तो मैं उसी नाम से मैंने सेव किया हुआ है, मैंने तो जस्ट क्या बात है, भटकर साहब तो खुश हो गए होंगे आज तो उनको उनकी मन की मुराद पूरी होगी, उनको डॉक्टर बोल दिया गया है। मैंने पहले भी उनको बोला था, उन्होंने मुझे रिप्लाई किया था कि अब आगे तो मैं डॉक्टर बन जाऊंगा ओ एकेडमी आने के बाद। वाओ वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बढ़िया, यही यही ऑन पैसिव है और मुझे बड़ी खुशी होती है आप सब लोगों को सुन करके। और मैं बधाई देना चाहूंगा नीरज सर को, नीरज सर बहुत ही पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं और समय का ध्यान रखते हुए बहुत जबरदस्त स्टाइल में बात करते हैं। और हरप्रीत मैडम को भी बधाई देना चाहूंगा कि जब से उन्होंने यहाँ पर शो में आना शुरू किया है उसके बाद से अभी तक उन्होंने अपनी कम्युनिकेशन फ्लो को बहुत ही तेजी से इम्प्रूव किया और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का परफॉर्म कर रही है वो, मुझे बहुत खुशी इस बात की। और डॉक्टर भटकर लगा लो या कुछ भी लगा लो, लेकिन हाँ अर्पित ने इसी बारे चेक किया कि सब लोग जिंदा तो है, सही ढंग से सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं, तो अगर उन्होंने किसी बात को पकड़ लिया इसका मतलब सही ढंग से सुन रहे हैं, तो बहुत बढ़िया सर। और इतना जबरदस्त मोटिवेशन के साथ आज हमारे कोच हमारे जो मेंटर है उन्होंने बताया सारी बातें, हम तो खैर फ्रॉम द डे वन उसी तरीके से लगे हुए हैं, अपना 100% दे रहे हैं और आगे भी अपना 100% यूं ही देते रहेंगे हमें, क्योंकि यकीन है। और मैं हर बार अपने वेबिनार में कहता हूं कि जिस तरह से सूरज का उगना एक अटल सत्य है, उसी तरह ऑन पैसिव में हम लोगों का सफल होना एक अटल सत्य है। और ये बात अलग है कि कभी कभी यू नो सिचुएशन ऐसी होती है जहां पे हमें बेस्ट करने की आदत है, क्योंकि ऑन पैसिव का एक कल्चर है, हम लोग हमेशा बेस्ट में बिलीव करते हैं, तो उसकी वजह से नेचुरल है, टेक्नोलॉजी है, अपडेट्स होते रहते हैं, जो चीजें आज हैं कल नहीं है। जैसे आप एक क्रेटा गाड़ी अगर बुक करते हो और अगर आपकी यू नो वेटिंग 6 महीने की है, तो हो सकता है कि 6 महीने तक आपको नया मॉडल मिले क्रेटा का, हर जगह अपडेट चलता रहता है। तो इसकी वजह से हमें एक ये समझ में आता है कि जहाँ पे अपडेशन चल रहा है मतलब सब लाइव है और सब कुछ रियल है और बेस्ट करने की एक चाहत है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि हमारी लाइफ में बेस्ट ही होने वाला है और जब होगा तो उस समय का बेस्ट होगा। आज हम जो सोच रहे हैं आज का बेस्ट है, लेकिन जिस दिन ऑन पैसिव लॉन्च होगा उस दिन एक एडजस्टमेंट में फोन आ गया। हेलो मेरी आवाज आ रही है? जी सर आ रही है, आ रही आ रही है, परफेक्ट आ रही है सर। फोन आ गया था, थैंक यू आवाज आ रही है मेरी? यस सर बिल्कुल आ रही है। हाँ फोन आ गया था, तो मैं यही कह रहा था कि आज अगर हम ऑन पैसिव लॉन्च होती है तो आज का वो बेस्ट है, लेकिन अगर कुछ और करके कुछ बड़ा करके ऑन पैसिव कुछ दिनों बाद लॉन्च होगी तो हो सकता है कि हमारी उम्मीद से ज्यादा बेस्ट हो, वो उस दिन का बेस्ट होगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, मैं तो आप सभी लोगों से आज इस वेबिनार के माध्यम से यही कहना चाहूंगा कि हमारे पास ऐसे ऐसे हीरे लोग हैं और जो हमेशा समय समय पर गाइड करते रहते हैं, अपना 100% देते हैं, तो मुझे ये बात ये समझ में आती है कि जो भी होगा बेस्ट होगा, आज के हिसाब से बेस्ट है तो आज के हिसाब से होगा, लेकिन कल लॉन्च होगा तो वो कल का बेस्ट होगा और जिसकी उम्मीद हम कर रहे हैं उससे बहुत ज्यादा बेस्ट होगा। सो विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। ओवर टू अर्पित। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू डॉक्टर गड्डी। और मैं वही बता रहा हूँ बेस्ट का, जैसे अभी जब पॉजिटिवनेस की मैं बात कर रहा था तो कौशिक का मुझे सुबह फोन आया कि सर आप वेबिनार में आ रहे हो, तो मुझे नहीं मालूम था मैं यहाँ पे आ रहा हूँ बेसिकली, ओके, क्योंकि ये दिनेश का सेशन होता है, वो आज कहीं बिजी है आई थिंक, तो मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो जस्ट सो के, कौशिक ने बोला तो मैं जस्ट सो के उठा था सिंपली, ओके, तो इन्होंने बोला कि सर आप आ रहे हो, तो मैंने कहा कहाँ पे आना है भाई, कहता वेबिनार में आप नीरज सर क्योंकि वहाँ पे हैं, क्योंकि मैं को दिनेश नहीं है, बोले कौशिक की वहाँ पे, तो प्लीज़ आप देखो आइए, मैंने कहा बाकी लोग, कहता हाँ बाकी लोग तो हैं वहाँ पे, तो आप भी आइए प्लीज़। तो जब पॉजिटिवनेस की बात होती है तो मैंने कहा ओके, मैं तो सब उठा हूँ अभी सो के, अच्छा कोई बात नहीं, अगर हमारे लीडर कौशिक ने फोन किया हमें कोई बात नहीं, नो डाउट वहां पे और भी है, तो why not, let's go there, ठीक है ना। तो पॉजिटिव होने के हुए तब है बेसिकली वहां पे, मैं ये भी जवाब नहीं यार कौशिक मैं अभी सो के उठा यार, मेरी तो आंखें नहीं खुल रही है, तुम मुझे फोन कर रहे हो यार, क्या यार तुम तो वेबिनार करते रहते हो हमेशा, ये अपडेट हो गई यार, ऐश ने दे दी है, बहुत सारी वीडियो लोग अपने आप देख लेंगे यार, ये भी तो मैं कह सकता था,
बट नो, और नेगेटिव लोग ऐसे ही सोचते हैं यार बहुत हो गया यार, रोज तो अपडेट ऐश आते आते थे। नो, तो सो के उठे तो कोई बात नहीं, उठ गए ना सो के, दिन शुरू हो चुका है, नया दिन शुरू है, ओके लेट्स गो विद पॉजिटिवनेस। ओके यहाँ पे आएंगे, एक घंटा पॉजिटिव बातें करेंगे, लोगों के साथ पॉजिटिव होंगे, मे भी किसी के पल्ले हमारी बात पड़े, और नहीं भी पड़ेगी, हम तो पॉजिटिव है ना, हम पॉजिटिव बात कर रहे हैं, दैट इज द वन ऑफ बिगेस्ट अचीवमेंट किसी की लाइफ में, अगर वो पॉजिटिव बात कर रहा है उसकी खुद की अचीवमेंट है ये बहुत बड़ी, कि यार मैं कम से कम कुछ अच्छा बोल पाता हूँ, ठीक है ना, कोई समझ रहा है नहीं समझ, दैट इज अनदर मैटर, ठीक है ना। तो वो पॉजिटिवनेस हमेशा जिंदगी में बनाए रहे, कुछ भी नेगेटिव नहीं है, ओनली योर ब्रेन मस्ट बी पॉजिटिव एवरी टाइम, दिन के 24 घंटे हरेक सेकंड, एवरी सेकंड, मतलब कि कोई नेगेटिव एक सेकंड के लिए भी आप अपने दिमाग में कुछ भी मत घुसाओ। ओके थिंक ऑफ द सॉल्यूशन, जैसे ऐश ने कल बहुत बड़ी एक बात बोली, शायद आप बहुत सारे लोग मिस कर गए उस बात को, कि वो क्यों क्यों इतनी बड़ी ऑन पैसिव बना रहा है। ओके क्योंकि वो, उसने बोला कि एक कहावत है कि ओके थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। ओके कि थिंक आउट ऑफ, जो बड़े बड़े लोग होते हैं थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, जाके कुछ नया सोचो, कुछ ये सोचो वो सब। तो ऐश ने बोला कि कौन सा बॉक्स भाई कौन सा बॉक्स, हम ही बॉक्स हैं भाई, कोई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली बात ही नहीं है, हमारा ही बॉक्स है, हम ही थिंक कर रहे हैं यहाँ पे, हम ही उसमें इंग्रेडिएंट्स डाल रहे हैं नए नए ला के, तो ये हमारा ही बॉक्स है, बॉक्स ही नहीं है, हम तो बॉक्स के बीच में घुसे हुए हैं बेसिकली, अगर देखा जाए तो बीच में घुस के हम उस चीजों को कर रहे हैं। तो ये थिंक आउट ऑफ द बॉक्स वाली कहावत भी अब, क्योंकि ऑन पैसे बहुत सारी चीजों को चेंज करने वाली है, ठीक है ना, हमारा ही बॉक्स है भाई, हम ही है, हम ही इंटरनेट होने वाले हैं, हम ही ट्रैफिक होने वाले हैं, ओके हम ही सारा कुछ होने वाले हैं, बस ये हमारा बॉक्स है, दैट्स इट, हम इसी में सोचेंगे, इसी में हम करेंगे, इसी में हम पैसे कमाएंगे, और कमा के रहेंगे, डेफिनेटली कमा के रहेंगे, एक एक आदमी कमा के रहेगा ये पैसा, क्योंकि ऐसा एक बॉक्स बना के दिया जा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच रहे हम लोग, विद इन द बॉक्स रह के अपना खुद का बॉक्स क्रिएट किया हमने, उस बॉक्स को इतनी अच्छे तरीके से बना रहे हैं, जो कि लोग उसमें आ जाओ और कामयाब हो जाओ। जी नीरज, यस अर्पित। नहीं, मेरे ख्याल में कौशिक, मेरे ख्याल में कौशिक का काम ही है सोते हुए लोगों को जगाना, जब भी कभी कभी कोई बहुत दिनों से कोई नेट पे नहीं आता है, कुछ होता है, तो कौशिक बोलता है भाई बहुत दिन हो गया तू आया नहीं, आके आपको लेना है, ऐसा है वो, मतलब एक ऐसा सूत्रधार का काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये पूरी सीरीज वेबिनार की जिंदा है। और सोते से अगर आप जाग करके लगातार इतना लंबा सेशन ले पा रहे हैं, तो मैं ये कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ कि आपके ब्लड में अब ऑन पैसिव आ चुका है, और हम सबके ब्लड में ऑन पैसिव आ चुका है, सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है। आप आधी रात को भी जगाओगे तो भी शायद हम लोग वही बात करेंगे जो जागते समय करेंगे, क्योंकि हर एक चीज, मतलब ईच एंड एवरी मोमेंट, सोते जागते जो भी हमने किया है उसको जिया है, हर एक पलों को हमने जिया है, लोगों ने कैसे लिया ये हमने कभी सोचा ही नहीं, हमने अपना बेस्ट दिया और कोशिश करते रहे कि और ज्यादा बेस्ट देते रहे, जो भी अपडेट मिलते रहे वो भी साथ में देते रहे, मतलब ओवरऑल ये रहा कि एक 100% सरेंडर कर दिया लाइफ को अपने इस एक ऐसे टास्क के लिए, एक ऐसे मंजिल के लिए जिसके बारे में हमें पता है कि जब भी होगी एक नंबर होगी, दूसरा नंबर इसकी लाइफ में है ही नहीं, हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं सब एक नंबर होंगे और सफलता भी एक नंबर की आने वाली है, ऐसी मेरी मतलब मेरा विश्वास है। यहाँ पर जितने भी लोग आ रहे हैं इनिशियली जब आते हैं तो हो सकता है कुछ गलतियां करते हैं, लेकिन आते 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 एक दो एपिसोड तीन एपिसोड के बाद सारे चैंपियन बन जाते हैं। मुझे बड़ा आई एम वेरी शॉक्ड कि जब लोग आते हैं बोलते हैं मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, जब हम बुलाते हैं उन्हें, लेकिन दो तीन बार जब आते हैं तो वो स्पीकर जैसा बिहेवियर हो जाता है उनका। तो ये एनर्जी है ऑन पैसिव की, ये एनर्जी है टीम चैंपियन की, ये एनर्जी हम सबके ग्रुप की, जहां पर हम एक दूसरे को सबको मोटिवेट करते हैं कि नहीं यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप कर सकते हो, और आप देखिए कितना अच्छा काम सारे के सारे लोग कर रहे हैं, और यही कारण है कि ये सीरीज आज जिंदा है और जबरदस्त ढंग से जिंदा है, तरीके से चल रही है, और इंडिया के हर एक कॉर्नर में, मैं तो कहता हूं हर एक घर में ये टीम चैंपियंस की 8 बजे की सीरीज पहुंच चुकी है। सो आप सब बधाई के पात्र हैं, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू डिलन सर, थैंक यू हमारे नीरज सर, थैंक यू वेरी मच। ओके ओवर टू अर्पित मैम। थैंक यू केडी सर एंड थैंक यू विश्विंदर सर। हमारे बीच यहाँ मुकुंद सर भी है, तो हम उनसे भी कुछ सुनना चाहेंगे आज के अपडेशंस के बारे में, तो प्लीज सर वेलकम है आपका। हरप्रीत थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज बोलूंगा कि
आज का सेशन हमेशा की तरह बहुत वंडरफुल रहा अपडेट का। और नीरज सर का अगर हम बात करें तो वो हमेशा कुछ ना कुछ नया ढूंढते रहते हैं। मतलब वो हम जब वो कहते हैं ना कि हमें अर्ली एडाप्टर्स या इनोवेटर्स बनना चाहिए, तो मुझे लगता है कि उनसे बढ़िया इनोवेटर तो कोई है ही नहीं रियली। और उनके साथ में नीरज सर का जो कॉम्बिनेशन है बहुत परफेक्ट बैठता है। तो मैं सबसे पहले तो थैंक्स कहूंगा ढीलन सर को भी, क्योंकि उन्होंने वो नींद से उठे और उसके बाद तुरंत उन्होंने वेबिनार स्टार्ट किया। उनके एनर्जी को, उनके फ्लो को भी सैल्यूट है। जस्टी सर को जिनके माध्यम से हम लोग आज यहाँ तक आज हो रही हैपन हो रही है। और हरप्रीत स्पेशली आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा कि जो मैंने पहले दिन एक हरप्रीत देखी थी एज ए स्पीकर एज ए होस्ट, और आज की हरप्रीत मैं बोल सकता हूँ कि जमीन आसमान का फर्क है। नाउ आई कैन सैल्यूट यू। और डेफिनेटली सेशन बहुत प्यारा रहा, बहुत बढ़िया रहा। हमारे फाउंडर्स को बहुत काफी इंतजार करना पड़ा, काफी मेहनत की सबने। मैं एक ही चीज बोलूंगा कि ऑन पैस्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपके सीईओ हर हफ्ते आपके पास आते हैं। आप एंटायर वर्ल्ड में कोई भी कंपनी उठा लीजिए, कोई भी प्रोजेक्ट उठा लीजिए, चाहे प्रोजेक्ट हो चाहे कंपनी हो, कोई सीईओ सामने आके बात नहीं करता। हमारे सीईओ सामने आके बात करते हैं। हम बिल्कुल मतलब केडी सर हमेशा कहते हैं कि हम दहलीज पर हैं। आज मैं प्राउडली कह सकता हूँ कि हम लोग वाकई में दहलीज पर हैं। तो स्टे ट्यून्ड और आज के अपडेट ऑसम थे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन नीरज सर और धीलन सर। ओवर टू हरप्रीत। कल मुखन अंकल एक मुझे लेडी का फोन आया था इंडिया में से, बहुत अच्छे हैं वो, अपने फाउंडर ही हैं सारा कुछ। तो वही ऐश की बात वो कर रहे थे, तो वो भी बोल रहे थे कि क्या मुझे ऐश का एटीट्यूड इतना अच्छा और बढ़िया लगता है कि कैसे लीड फ्रॉम द फ्रंट करते हैं। जब वो आके बोलते हैं ओके आई एम ऐश मुफारा एंड आई एम योर फ्रेंड, तो ये बात कोई भी सीईओ नहीं बोलता बेसिकली। नहीं बोलता, नहीं बोलता सर, एग्री। कोई भी नहीं बोलेगा। ये बड़े बड़े धुरंधर मैंने भी देखे हैं, बहुत देखे हैं। और मैं क्या बताऊं, किस दिन बैठेंगे मैं बताऊंगा क्या क्या मतलब कि सीईओ करते हैं ये ऐसे मतलब कि आप चलो ये प्लेटफॉर्म बोल नहीं सकते, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहाँ पे मतलब कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम जो है ऐसा कुछ हो रहा है जो कि पहले नहीं हुआ। तो दैट मीन्स कि अगर ये टॉप टू बॉटम ऐसा कुछ हो रहा है तो आगे भी तो ऐसे ही चलेगा ना। तो और इससे भी बढ़िया चलेगा जब हमारे पास सारा कुछ होगा। हमारे पास ट्रैफिक है, हमारे पास इंटरनेट है, हमारे पास ये है, हमारे पास वो वॉलेट है, हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, हमारे पास हमारा खुद का सीईओ है। अब मैं तो मतलब ये परेशान हो रहा हूँ कि जब ऐश इंडिया में आएगा तो क्या हाल होने वाला उनका, ठीक है ना। इतनी एक्साइटमेंट इंडिया में, क्योंकि इंडिया इज लाइक समथिंग डिफरेंट कंट्री। बहुत ही अच्छा बड़ा कंट्री है इंडिया, बहुत ही डिफरेंट है ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड और इन कंट्रीज में मतलब लोग पैशनेट किस लेवल पे हो जाते हैं, कैसे होते हैं, वो रियली थिंक टू बात जो कि इन लोगों ने कभी देखी नहीं है। ओके मैं यहीं पे रहता हूँ इन लोगों के बीच में। यहाँ तो हजार दो हजार बंदा इकट्ठा किसी फंक्शन में करना हो तो इनको पॉलिटिशियंस को रियल हो जाते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे तो मतलब धूम मचा के लोग आते हैं और इंजॉय भी करते हैं और दिस थिंग दैट बहुत कुछ है। तो ये सेलिब्रिटी जो हमारा सीईओ है जब इंडिया में आएंगे पता नहीं, आई डोंट नो क्या होने वाला है। मैं तो मतलब ये ऐश को कई बार बोला भी है कि ऐश मतलब कि अभी मुझसे पूछा जब आप इंडिया में गए तो क्या, मैं कहा अरे भैया मैं जब हैदराबाद ऑफिस में गया वहाँ पे इतने बेचारे लोग, पर मुझे खुद नहीं मालूम थे वो मेरे साथ क्यों सेल्फी लेना चाहते हैं, हम उन्हीं की तरह है। बट पता नहीं क्या ऐसे मैंने कहा जब आप इंडिया जाओगे पता नहीं आप ऑफिस तक पहुँच भी पाओगे कि नहीं पहुँच पाओगे, मुझे नहीं लगता क्योंकि वो रास्ता ही इतने लोग वहाँ पे हो जाएंगे, ठीक है ना। तो आप मुझे लग रहा है कि चुप करके चुप है बाउंसर लगेंगे। अरे बाउंसर क्या, शहर जाम हो जाएगा। मुझे लगा सारे इंडिया के 6 लाख तो अब हैं, बाकी के फाउंडर भी जब तक हो जाए वो मुझे लगा सारे हैदराबाद आ जाएंगे। वो तो वहां पे सिक्योरिटी लगेगी, जेड सिक्योरिटी। अरे जेड क्या यार, डेफिनेटली। सो मेरे कहने का मतलब है वी आर सो पैशनेट, हमारे इंडिया के जितने भी लोग होते हैं तो ये डिफरेंट है थोड़ा समथिंग। और जब यहाँ पे ऑन पैसिव इतना कुछ डिफरेंट जी। उस प्रोग्राम में जब ढिल्लन सर आएंगे ना तो ढिल्लन सर को एयरपोर्ट से मैं मर्सिडीज लेके जाऊंगा लेने के लिए। अरे नहीं हमारे कोच भाई हमारे कोच है सर, साले भले क्रैश लेनी पड़े कुछ भी करना पड़े लेकिन लेने जाएंगे सर। नहीं वो बस ठीक है, दैट इज योर लव डॉट केडी, वो ठीक है। मैं
मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि यार कभी कई बार मेरी बात इवन केडी से भी लीडर से भी बात होती रहती है यार हम लोग कुछ नया करें यार, मतलब कि हम ना हम ये हार वाला कल्चर है कि लीडर आया है लीडर होंगे यार होंगे बट वी आर बराबर, हम लोग बराबर हैं सारे, वैसे ही ट्रीट करो मुझे ऐसा लगता है। ये हार वाला कल्चर कल्चर नहीं, ये प्यार है सर। आप किसी को इतने लोग होते हैं ना, आप कितने लोग को मना करो, कोई ना कोई लेके आ जाता है। ये लोगों का प्यार है, बिल्कुल बिल्कुल दिलन सर, आपको पता है एक सर बहुत ज्यादा। नहीं नहीं हरप्रीत, एक और चीज है डीलन सर, आपको पता है एक आम इंसान को खास बनाने वाला प्लेटफॉर्म है ऑन सक्सेसिव। यस, और यहाँ एक नया कल्चर डेवलप होगा, वो देखेगी पूरी दुनिया। यस डेफिनेटली, बिल्कुल बहुत मानते सर एस सर को, इतने कॉल्स आते ना, सेकंड गॉड मानते हैं एस सर को। बहुत अच्छा फील होता है कि हमारे सीईओ इतने अच्छे हैं, बिल्कुल उनमें घमंड नहीं है, प्राउड नहीं है, बिल्कुल बिंदास आके फ्रेंडली बात करते हैं। यही लोगों को बहुत अट्रैक्ट करता है। यही मैंने हैदराबाद के स्पीच में जब पहली बार जब हैदराबाद गया था तो मैंने यही बात कही थी कि आफ्टर गॉड मैं अगर किसी में बिलीव कर रहा हूँ तो एस सर पे कर रहा हूँ। ये बात ये कोई भी उसको रिपीट करके देखेगा तो मैंने यही कहा था। अभी उसके पीछे रीजन ये है कि ये बंदा जब चाहे तब लेडी पेज या जो भी है हमारे फेसबुक के मालिक जो मार्क जकरबर्ग वैसा रोल प्ले करके कितना ही पैसा जब चाहे तब कमा सकता है, लेकिन ये इंड यूजर के बारे में सोच रहा है, कितनी बड़ी सोच है। और हम अगर पेशेंस पुलिस का साथ भी नहीं दे पाए तो हमारा दुर्भाग्य है ये। तो वही देखो, आज 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 सुबह ऐश ने एक मैसेज भेजा। ओके, आज सुबह की बात है, अभी थोड़े देर एक डेढ़ घंटे आज बाकी लीडर्स को भी शायद आया होगा, वो बेहतर रहते हैं कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन लीडर्स को भी सारे को। तो वो ये मैसेज है, उन्होंने ये लिखा हुआ है, लीडरशिप इज बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन। ओके, लीडरशिप इज बेस्ड ऑन इंस्पिरेशन नॉट डोमिनेशन। ओके, ये डोमिनेट नहीं कर रहे लीडर, इंस्पिरेशन। ओके, एंड ऑन कॉपरेशन एंड नॉट इंटिमिडेशन। तो कॉर्पोरेशन के वो लीडरशिप है बेसिकली। तो ऐश वही डेमोंस्ट्रेट करते आ रहे हैं शुरू से। मैं फेसबुक पे भी इसको बड़े न्यू साइंस, यही तो न्यू साइंस बिलीव करता है ऑन पेज। या तो मैं ये फेसबुक पे भी डालूंगा, आप लोग पढ़ सकते हो इसको, ठीक है ना। तो ये बेसिकली ये ऑन पैसिव में ऐसा ही एक कल्चर है, और वो हम लोग सब मिलके वही कल्चर को आगे लेके जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक दूसरे से, सीईओ हमारा बात करता है एक दूसरे के साथ, वेबिनार्स में आता है, वहां पे कोई भी कुछ भी पूछ सकता है वहां पे। तो ये दिस इज समथिंग डिफरेंट, ये मानने वाली बात है जी। ओवर। बिल्कुल आई एग्री सर। मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, आज मुझे ना एक लेडी फाउंडर का फोन आया था, काफी डिप्रेशन में थी, एंड जब उसने मेरे साथ कुछ शेयरिंग करी, मतलब उसकी नौबत ऐसे आ गई थी कि सुसाइड तक की नौबत आ गई थी, मतलब डिप्रेशन। हमारे वेबिनार ने उन्हें डिप्रेशन से बाहर निकाला है, तो कितनी अच्छी बात है। बोले मैं ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ वेबिनार देखने में, ताकि जो मेरा डिप्रेशन वाला पार्ट था वो बिल्कुल मैं मेरे से भूल गई हूँ मैं। मतलब मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो हमारे वेबिनार ने कुछ तो कमाल करा है। बोले मैं डेली वेबिनार देखती हूँ एंड मैं फॉलो करती हूँ जस्सी सर एंड गुशविंदर सर को एवरी टाइम। बोले मैं उन्हें फॉलो करती हूँ, उनके रिकॉर्डिंग सुनती रहती हूँ, तो मुझे बड़ा ही अच्छा लगा कि देखिए, मतलब जो लेडी इतना बड़ा कदम उठाने जा रही थी, कहीं ना कहीं हमारे ऑन पैसिव ने उसे बचा लिया। तो ये ही सर मैं कह रही हूँ कि सीईओ हमारे जो है ना, ये सेकंड गॉड ही है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिनके कॉल्स आते हैं, जो लोग इतनी बातें बताते हैं, जैसे कि आपने पिछले बार भी देखा है, मुन्ना भाई भी हमारे बीच में आए थे, एक ब्लाइंड पर्सन है वो अनपेसिव कर रहे हैं और वो इतना अच्छे वेबिनार ले रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि उन्हें कितना मतलब अनपेसिव से लगाव हो चुका है, रग रग में उनके अनपेसिव भर चुका है। तो बस मैं इतने ही कहना चाहूंगी। स्टोरी सुन के सर मुझे खुद को ना, मैं ब्रेकफास्ट कर रही थी, बोले मैडम मुझे आपका नंबर मिला है और मैं आपसे अपने दिल की बात कह रही हूँ, मुझे ऐसा लगा कि मुझे शेयर करनी चाहिए। तो बोले मुझे जैसे मिला, मैंने एक मिनट में लगाया और आपको कॉल कर दिया।
तो जब मैं सुनी तो मुझे बड़ा अच्छा लगा, बोले मैं हर वेबिनार को सुनती हूँ, हर वेबिनार देखती हूँ, तो बस मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका मतलब सुन के, और वो महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। कौशिक सर, टाइम बहुत हो चुका है, तो हम समापन की घोषणा करें। अरे बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच नीरज भाई आपका स्पेशली, एंड बाकी सारे लीडर्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।